ठीक है, तो आज का जरा एक मिनट रुको, हम लोग रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी है। जो वीडियो से आप लोग दो देख रहे हो, वीडियो से थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह ज्यादा आएगा क्योंकि ये वाला सब लाइटिंग वीडियो से इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन जनरल जो क्योंकि जो मतलब वेव मुझे प्रॉपर अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, तो वेव का अच्छा खासा वो होना चाहिए। नहीं, ये मैकेनिक्स का पार्ट नहीं, अलग है, वेव्स इज डिफरेंट। देखो वेव्स फिर थर्मोडायनामिक्स से अलग अलग सेक्शंस है, ठीक है गाइस। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं अपन गवाते, सिर्फ 1 मिनट मुझे देखने थे कि कितने लोग को कितने लोगों ने कुछ हैंड रेज वगैरह किया हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और सब लोग का माइक जो है ना, मतलब जब भी कुछ भी होगा लाइव, माइक जनरली म्यूट ही रहेगा आपका, क्योंकि मैं पढ़ाने पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाते वक्त तो माइक म्यूट ही होना चाहिए आपका गाइस, ठीक है। और आपको रोल नंबर दिए हुए राइट, तो आपको रोल नंबर प्लस आपका नाम, ये दोनों चीज डालनी है। रोल नंबर पहले रखना है, उसके बाद आपका नाम डालना है, सर रीनेम का ये दिमाग ऑप्शन में दो ना, रखना। मैं रीनेम करना भूल गया एक्चुअली। रीनेम का ऑप्शन तो है ही ना, मतलब नहीं है क्या, नहीं नहीं ना कर पा सर, रहे ये हो क्या? वेबिनार है ना, पार्टिसिपेंट्स का वेबिनार ऑप्शन सर। नहीं आता, आप वेबिनार रखते हो तो। सर बैक बटन दबा के हो जाता है ना रीनेम? हाँ होता होगा, वही तो, कुछ तो सर होगा सीधा चीज। जाना पड़ेगा सर, सर सीधा बाहर जाना पड़ता है। अलाउ अटेंडी टू रेज हैंड, अलाउ अटेंडी टू पैनलिस्ट टू रीनेम, नहीं हाँ वो बाहर जाना, वो एक्चुअली कुछ इसके अंदर भी वो नहीं है। तो सर मैं 1 मिनट में रिजॉइन कर लूँ? तो जो भी हो रीनेम करो अभी, वो एक बार अभी वो म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ पाएगा आपके पास अभी, वो बाद में आएगा जब मैं वापस मोबाइल हाथ में लूंगा। सर ब्रेक के बाद रिनेम करता हूँ, हाँ चलेगा? ब्रेक के बाद रीनेम करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अपना मैकेनिक्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका, मैकेनिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैकेनिक्स मतलब जो एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ ग्रेविटेशन करके चैप्टर होता है, जो मैं इलेक्ट्रो के बाद पढ़ाता हूँ, तो वो तो बहुत बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बाद ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसको सिर्फ एक एक दिन क्या एक दिन एक लेक्चर लगता है, क्योंकि सेम टू सेम इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटेशन सिर्फ इलेक्ट्रो का जस्ट हर एक चीज सेम हो जाती है, तो ग्रेविटेशन में पढ़ाता नहीं हो, तो ऑफिशियली ग्रेविटेशन जब होता है ना तब मैकेनिक्स खत्म होता है। लेकिन अपने लिए मैकेनिक्स इज डन, 99% मैकेनिक्स इज डन, ठीक है। तो मैकेनिक्स अपना हो चुका है, अभी हम लोग वेव्स में घुस रहे हैं। ऑप्टिक्स तो मैंने चालू किया था ऑलरेडी, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स अलग होता है, ठीक है। वेव्स जो है, अब वेव्स में मैं मतलब अपना भी क्या रहेगा, देखो अपना अराउंड 4 to 5 लेक्चर, देखो 4 से 5 लेक्चर आगे के 2 हफ्ते हम लोग वेव्स करेंगे। तो आपके इवन आपके जितने भी डैट एंड वैट होंगे, मैं वापस बोल रहा हूँ, डैट एंड वैट ये सारे वेव्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना। फिर उसके बाद अपना कंबाइंड टेस्ट भी होने वाला है, कंबाइंड टेस्ट मतलब मैकेनिक्स प्लस वेव्स प्लस ऑप्टिक्स सबका कंबाइंड, ठीक है। तो एक काफी अच्छा खासा आपका पोर्शन होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, मतलब हम लोग जो मेरा एक्चुअल स्पीड होता है, उस एक्चुअल स्पीड से हम लोग अराउंड 21 मतलब एक अराउंड 3 वीक हम लोग पीछे, मतलब अभी तक मेरा वेव खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है, जो अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा स्पीड जो होता है कम होता है। वो मेरे स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, इन जनरल नहीं, इन जनरल हम लोग काफी अच्छे स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पोर्शन जल्दी खत्म करते हैं, तो वो जल्दी खत्म करने के हिसाब से की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मई में एक्स्ट्रा लेक्चर आपके लगाएंगे, एक्स्ट्रा लेक्चर्स लगाएंगे मतलब अराउंड 4 4 लेक्चर्स आपके वीक में रहेंगे, 4 लेक्चर्स फिजिक्स के, ठीक है। जैसे अभी 2 होते हैं, क्योंकि मई जून में बहुत सारे लोग को हॉलीडे होता है, स्कूल बंद होती है, ठीक है। तो अप्रैल मई का वो टाइम होता है कि जहां पे हम लोग एक्स्ट्रा लेक्चर्स लगा सकते हैं गाइस। तो समर वेकेशन, हाँ समर वेकेशन भी आपको एक 10 दिन का मिलता है वो, लेकिन अप्रैल में, कोई अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक या अप्रैल एंड में मिलेगा वो, अभी मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं कि कब, क्योंकि वो आपको जरूरत है, जरूरत है मतलब जो भी बैकलॉग होगा जो भी होगा वो सब कुछ आपका तब कवर किया जाएगा, क्योंकि समर वेकेशन के पहले मतलब हम जो वेकेशन देंगे आपको, वेकेशन मतलब छोटा सा एक जो ब्रेक देंगे, तो उस ब्रेक के पहले आपको पूरा का पूरा मैकेनिक ऑप्टिक्स वेव्स एंड थर्मोडायनामिक्स इतना सब कुछ आपको करना पड़ेगा, फिजिक्स में वैसी केमिस्ट्री वैसी मैथ्स में राइट। तो काफी सारी चीजें आपके ऊपर आने वाली है, और उसके बाद सीधा चालू होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, विच इज वन ऑफ द बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, 6 चैप्टर है उसमें,
ठीक है, और वो पूरे के पूरे 6 चैप्टर्स अपन पूरा का पूरा मई जून उसमें ही डालने वाले, ठीक है। तो पूरा मई जून और जो भी मतलब अप्रैल का बचा खुचा रहेगा वो अपन डालने वाले हैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, ठीक है। तो वो ब्रेक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रोडायनामिक्स बचा रहेगा एंड मॉडर्न फिजिक्स बचा रहता है, और मॉडर्न फिजिक्स एकदम वेव्स की तरह एकदम एकदम इजी चीज है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है गाइस। तो ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं और मैं लेक्चर को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे भी रिकॉर्डिंग अपना हो ही रहा है गाइस। अब बाकी वो सब मत पूछो, अब फिजिकल क्लासेस वगैरह सब स्टार्ट, अरे फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, वो सब बीएमसी वालों ने मतलब हालत खराब करके रखी है, ठीक है। फटाफट फाइन वगैरह मार देते हैं, तो वो अभी अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। और एक वीक अपने को रुकना पड़ेगा, और एक वीक मतलब एक अराउंड 7 से 8 दिन रुकना पड़ेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद ही हम लोग वो स्टेप उठा सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अलाउड नहीं है। मैंने मतलब कल ही चीजें डिस्कस की, क्योंकि क्लास हम लोग आपका चालू करेंगे और कोई कंप्लेंट कर देगा, बीएमसी की रेड होती है और अच्छी खासी फाइन भरनी पड़ती है, ठीक है। और नाम भी खराब होता है वो अलग, तो वो सब चीज अभी झमेले में तो पढ़ना नहीं है कुछ टाइम के लिए, ठीक है गाइस। तो हाँ बराबर बोल रहे तो है, अभी पेरेंट्स भी अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि केसेस बढ़ रही है, तो वो खाली मुकट अभी एक 6-7 दिन रुको यार, मतलब 7 दिन थोड़ा सा मेडिटेशन करो घर पे, ठीक है। अच्छे से जो भी अपना चल रहा है, अपना बैकलॉग है, उसको अच्छे से देखो, ठीक है, और हम लोग करते हैं। चलो गाइस, तो आज का टॉपिक यहाँ पे पहले एनिमेशन तो आपको दिख ही रहा है, स्क्रीन शेयरिंग तो हो ही रही है, राइट, स्क्रीन शेयरिंग तो हो ही रही है। एक मिनट, तो अभी स्क्रीन शेयरिंग पे देखो, अब जो मैं अभी जो आगे कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग पे देखना है आपको, आपको स्क्रीन शेयरिंग देखना है, मतलब आपका मुझे मेरा वीडियो नहीं देखना है। तो अपना टॉपिक का नाम है वेव्स, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ 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 चीजें यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेव्स में, वेव्स अपने टॉपिक का नाम है, राइट। और इसमें वेव्स में आपने देखा होगा, देखो ये वाटर वेव्स यहाँ पे दिख गई, फिर उसके बाद पता है वो मतलब अब ये जो है वेव अलग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव। और यहाँ पे स्ट्रिंग दिखाई दी आपको, तो स्ट्रिंग, फिर ट्यूनिंग फॉर्क, हम लोग बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क होता था, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा 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 करता है, वो साउंड वेव निकालता है, तो साउंड वेव। तो यहाँ पे 3 टाइप के वेव आपको दिख रहे हैं, साउंड वेव, फिर ये वाला वेव और एक स्ट्रिंग वाला वेव, ठीक है। तो ये अपने टॉपिक का नाम है वेव्स, ठीक है। तो वेव्स में जनरली कौन से वेव्स आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा मतलब स्टार्ट करने के पहले, मैं अच्छे से आपको इधर थ्योरी भी लिखा हुआ है बाद में, लेकिन वो थ्योरी उसके अंदर घुसने के पहले, इन जनरल आपको कौन से वेव्स पता है, ठीक है, जनरली कौन से वेव्स पता है वो पहले मतलब मैं बोलता हूँ, उसके बाद जो वेव्स अपने को पढ़ने हैं वो मैं बोलता हूँ। देखो वेव्स तो बहुत सारे टाइप के, ठीक है। अपने आपको पता है, एक रस्सी ले लो, स्ट्रिंग ले लो और ऐसे करो तो उसके अंदर एक स्ट्रिंग जाती, एक वेव जाती है, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग वेव बोलते हैं। फिर हम लोग सब कुछ बोलते हैं, अभी आप सुन रहे हो तो ये होगी कौन सी वेव, साउंड वेव। यहाँ पे बाद में लाइट वेव, एक्सरेज, ये अलग अलग टाइप के वेव्स हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं ये बेसिकली हम लोग बाद में देखेंगे, वो तो थ्योरेटिकली आने ही वाला है बाद में। फिर उसके बाद वाटर वेव्स, तो बहुत सारे वेव्स हैं गाइस। लेकिन अभी मतलब ये जो हमारे आगे के 5 लेक्चर्स होने वाले, उन 5 लेक्चर्स में हम लोग जो पढ़ने वाले, वो पढ़ने वाले स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव्स। जो स्ट्रिंग के ऊपर जो अंदर जो वेव होती है, वो स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाद में जाके मतलब एकदम अपना जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक है, जो जेई एडवांस में नहीं है, लेकिन जेई में, नीट में, सीईटी में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक एक दिन का टॉपिक होता है, वो मतलब एक लेक्चर थ्योरेटिकल टॉपिक होता है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके, वो हम लोग अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स एक अलग टॉपिक होता है, जो जैसे रे ऑप्टिक्स हम लोग ने पढ़ लिया, वैसे वेव ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स भी कुछ इसी टाइप का होता है, ठीक है गाइस। तो ध्यान में रखना, मतलब अलग 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 चीज, मतलब मैं वेव्स के एक्चुअली देखा जाए तो 4 चैप्टर्स आने वाले हैं वेव्स के, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें जो अभी 5 लेक्चर में हम लोग जो वेव्स बोलेंगे वो होंगे स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव। एक बार ये हो गया ना, वेव ऑप्टिक्स तो इजीली हो जाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो कुछ है ही नहीं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम लोग आगे आगे अपनी जर्नी होने वाली है वेव्स। तो अभी वापस बोल रहा हूं मैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव। और आज के टाइम में, मतलब आज के दिन हम लोग
सिर्फ मैं आज का जो लेक्चर होगा वो स्ट्रिंग वेव पे जाएगा, हम लोग आज साउंड वेव डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग वेव, मतलब वेव इन अ स्ट्रिंग, जो एक स्ट्रिंग होती है उसके अंदर वेव कैसे जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे लेक्चर 01, लेक्चर 1 है वेव्स, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म्स भी यहाँ पे दिखे हुए हैं, उसका वो उसका मतलब क्या, लैम्बडा तो आपको पता ही है, अभी एक जो टर्म था लैम्बडा वो हम लोग ने पहले भी यूज किया हुआ है, और यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड करके लिखा हुआ है, तो एम्पलीट्यूड हम लोग ने अभी जस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग ने पढ़ा, तो उसमें एम्पलीट्यूड भी टर्म डिस्कस हुआ था हमारा, ठीक है गाइस। तो पहले कुछ चीजें ना थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, मतलब बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। कुछ चीजें पहले थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली मतलब एकदम जो भी होगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा वेव्स के ऊपर, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज वेव, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेव, ये आपको लिखना पड़ेगा, वेव क्या होती है, व्हाट इज वेव, और वेव का सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन क्या है, वेव का बेसिकली नाता क्या है, रिलेशन क्या है। मैंने बोला था ना, मतलब कुछ ना कुछ चीजें होगी, मतलब हम लोग ऑसिलेशन पूरा का पूरा वेव्स में काम आएगा, ये मैंने ऑसिलेशन पढ़ाते वक्त या सिंपल हार्मोनिक मोशन है लेक्चर टॉपिक पढ़ाते वक्त बोला था, तो उसका एक्चुअल रिलेशन क्या है, तो वो आप देखोगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखो मैंने दो टाइप के वेव दिए जो हम लोग को पढ़ना है पांच दिन में, एक है साउंड वेव और दूसरा है स्ट्रिंग वेव। देखो यहाँ पे एक साउंड वेव लिखा है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेव दिखा है, देखो ना। और साउंड वेव में देखो कुछ अलग तरीके का दिख रहा है, यहाँ पे साउंड वेव देखो क्या है और स्ट्रिंग वेव देखो क्या है। देखो साउंड वेव में कुछ ऐसा ऐसा कुछ जा रहा है, एनर्जी ऐसे ही जा रही है। स्ट्रिंग वेव में देखो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग वेव में देखो ये स्ट्रिंग वेव है, दिख तो रहा है आपको प्रॉपर तरीके से, आपको चाहिए तो एनिमेशन देख सकते हो आप लोग इससे, अपना स्क्रीन शेयरिंग से देख सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सब जहां पे भी एनिमेशन है वहां पे तो आपको दिखेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग वेव देखो किस तरीके जा रही है, मतलब अपना हाथ जो है इधर आप देखोगे हाथ ऐसा ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो एक स्ट्रिंग वेव बन गई, हाथ ऊपर गया नीचे आ गया, स्ट्रिंग वेव बन गई। तो हम लोग को वैसे भी आज क्या पढ़ना है, मैंने आपको बोला था मैंने आज तो अपने को पढ़ना है स्ट्रिंग वेव, ठीक है। तो आज हम लोग ना सिर्फ स्ट्रिंग वेव के बारे में ही बात करने वाले हैं वैसे भी, ठीक है। अब वेव होता क्या है, हम लोग वेव बोल रहे हैं वेव, तो अब यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखो इधर इधर वेव जा रही है दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक येलो में मैंने एक पार्टिकल दिखा है, मुझे होता है वो येलो वाला जो पार्टिकल है वो उसी पॉइंट पे देखो वो अपना पोजीशन बदल नहीं रहा है। ये जो पार्टिकल है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या कर रहा है, ऊपर नीचे क्या कर रहा है, ये ऑसिलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब हम लोग ने एकदम डेप्थ में तो पढ़ा है SHM, तो बेसिकली जो पार्टिकल आप देख रहे होंगे वो SHM कर रहा है, तो वो अपने जगह पे ही है, वो घूम रहा है आगे जा रहा है क्या, वो देखो ना वो येलो वाला पार्टिकल देखो वो अपने जगह पे ही SHM कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज आगे जा रही है, वो कुछ चीज जो आगे जा रही है ना वही वेव है। अब वो कुछ चीज जो वेव होता है, अब वेव मतलब क्या, ठीक है। तो वेव का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, ध्यान से ध्यान से सुनना, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय ऑसिलेशन ऑफ अ मीडियम पार्टिकल, ठीक है। इट इज ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ऑल्सो, बिल्कुल। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोलो है, मोमेंटम बोलो, सो बेसिकली वेव इज नथिंग बट वॉट, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय ऑसिलेशन ऑफ अ मीडियम पार्टिकल। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल ये मीडियम पार्टिकल घूम रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन वो अपने जगह से परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है क्या, चैट पे लिख सकते हो। अब वो पार्टिकल अपने जगह से परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है क्या, नहीं गाइस, वो ऊपर जाता है नीचे आता है वापस उसी पोजीशन पे आता है, मतलब वो पार्टिकल SHM करता है अपने जगह पे, ठीक है, वो शिफ्ट नहीं होता, और वहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, सिंपल। तो अब यहाँ पे जो आप लोग को लिखा है ना साउंड वेव एंड स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर, अभी नहीं। स्ट्रिंग वेव जस्ट एनिमेशन मैंने दिखाया था, एक काम करो पहले आप लिख दो वेव्स क्या होता है, वेव्स करके हेडिंग डाल दो, वेव्स करके हेडिंग डाल दो, और वेव का डेफिनेशन लिख के रखो, ठीक है। इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय ऑसिलेशन ऑफ अ मीडियम पार्टिकल, लिखो एनर्जी जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, वो लिखो बड़ा। मैंने आपको ऐसे बोला था थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा थियोरेटिकल है, मतलब कुछ कुछ थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, और आज और थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब कुछ फॉर्मूला मैं आपको रटने के लिए बोलूंगा जो हम लोगों ने मैकेनिक्स में नहीं किया था, लेकिन होगा ही इजी, ठीक है। गाइस एनिमेशन से समझ में अच्छा आता है ना? यस सर। हाँ तो एनिमेशन होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपको वो नहीं आएगा, ठीक है, फील नहीं आएगा।
वो तो भाई बोला, लेकिन पेपर में एनिमेशन नहीं आता, लेकिन एनिमेशन समझने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो आप लोग क्या है ना, मैं सिर्फ बोलते हूँ, आप बोलोगे विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, आप विजुअलाइज कैसे करोगे? ठीक है, उसके बाद में आपको जेईई और नीट में वगैरह तो आपको एनिमेशन की जरूरत नहीं पड़ती, एनिमेशन तो अभी के लिए। लेकिन इतना समझ में आ रहा है तुमको क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक ही पार्टिकल, ऐसे ऐसे इन्फाइनाइट पार्टिकल होंगे ना मीडियम में, वो सब अपने अपने, देखो यहाँ पे इन्फाइनाइट पार्टिकल्स होंगे जो अपने अपने जगह पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहेंगे, ऐसे जम करते रहेंगे और अपनी वेव जो होगी आगे जाते रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिंग वेव में इधर एनर्जी ऐसे ट्रांसफर, देखो एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल उधर ही है, पार्टिकल सिर्फ ऊपर गए नीचे आ गए, इधर भी ऊपर साउंड वेव में, साउंड वेव में तब बाद में देखेंगे हम, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है देखो ऐसे। ठीक है, तो बस मीडियम पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है और उसके वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है और उसको ही हम लोग, उस एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं वेव। वेव इज नथिंग बट व्हाट, एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर। और अब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो मोमेंटम भी ट्रांसफर होगा कहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ऑल्सो। चलो लिख के हो गया, नहीं लिख के हो गया? हाँ, ये पीपीटी, ये पीपीटी विद एनिमेशन शेयर कर दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब ये पीपीटी विद एनिमेशन शेयर कर दूंगा तो आपके पास रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे ये भी थोड़ा सा आगे का जो ये चीज है, ये भी थोड़ा सा क्या है, थ्योरेटिकल है, इसमें भी आपको लिखना है टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स में कौन सा वो टाइप होता है। तो वेव में, वेव के अंदर जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिखा है वेव्स के अंदर होता है मैकेनिकल वेव्स। देखो दो टाइप के वेव्स होते हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दो लिखा है ना मैंने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जिसमें अपने को क्या पढ़ना है गाइस, अपने को पढ़ना है मैकेनिकल वेव्स। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स करके रखा हुआ है, अपने को पढ़ना है मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लाइट एंड एक्सरे आता है, जो हम लोग एकदम 12th के एकदम एंड में, मतलब ये जुलाई में करेंगे अपन। ठीक है, तो ये जो चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग एकदम एंड में करेंगे। ठीक है, ये एंड में करेंगे, जैसे उससे बाद अपना खत्म हो जाता है, ये जेई एडवांस का टॉपिक नहीं है, जेई मेन एंड नीट का टॉपिक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स, जिसमें दो टाइप के वेव्स आते हैं, एक पढ़ा होगा आपने ट्रांसवर्स वेव्स, देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, सुना होगा ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग वेव, मैंने बोला था स्ट्रिंग एंड साउंड जो अपने को पढ़ना है, तो ट्रांसवर्स वेव में आता है स्ट्रिंग वेव। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जाम्पल इट इज स्ट्रिंग वेव, एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल होता है साउंड वेव। अब बेसिकली आपने बचपन में पढ़ा होगा ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल में फर्क क्या है, यहाँ पे देखो दोनों, मतलब मुझे होता वेव मतलब क्या भाई, ऑसिलेशन तो होना ही है, ऑसिलेशन तो होना ही है ट्रांसवर वेव में भी और लॉन्जिट्यूडिनल में भी। अब यहाँ पे आपको दिखा होगा, देखो ट्रांसवर्स वेव यहाँ पे दिखा होगा, यहाँ पे देखो ऑसिलेटर कैसे, ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है। सो ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ऐसे। सो ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल, तो यहाँ पे देखो ऑसिलेशन, ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, समझ में आ रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। एंड लॉन्जिट्यूडिनल में आप देखोगे ऑसिलेशन एंड एनर्जी फ्लो दोनों पैरेलल है, सो ऑसिलेशन इज पैरेलल टू द एनर्जी फ्लो। दिख, समझ में आ रहा है, दिखने में दिख रहा है आपको ये चीज, एनिमेशन के साथ दिखाया गया है चीज। तो ऑसिलेशन ऐसे ऐसे हो रहा है और एनर्जी ऐसे ही फ्लो हो रही है, सो एनर्जी फ्लो एंड ऑसिलेशन दे आर पैरेलल, तब होता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। एंड व्हेन ऑसिलेशन एंड एनर्जी फ्लो व्हेन दे आर परपेंडिकुलर इट इज ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो स्पेलिंग भी अच्छे से लिख देना ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल का। और आज अपने को पढ़ना है वैसे भी स्ट्रिंग वेव, तो आज हम लोग वैसे भी स्ट्रिंग वेव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फिर हम लोग अगले लेक्चर में सिर्फ उसका कंपैरिजन करेंगे लॉन्जिट्यूडिनल के साथ और डायरेक्टली अपन लॉन्जिट्यूडिनल पढ़ लेंगे, मतलब साउंड वेव पढ़ लेंगे। ठीक है, अब लॉन्जिट्यूडिनल को थोड़ा सा ना इमेजिन करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है, ठीक है, थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अभी वो देख लेंगे ना, वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना इतना दिमाग में रख, लिख दो इसको।
ये डायग्राम बना दो ना ऐसे कैसा, ये डायग्राम भी बना दो जो एनिमेशन यहाँ पे किया है उसका डायग्राम बना दो। ये आपको समझने के लिए किया हुआ है, ऑसिलेशन आगे ऊपर नीचे होगा, वेव ऐसे ट्रेवल करेगी। जो भी यहाँ पे लिखा है वो सब लिख दो। हेलो, हाँ बोलो। हेलो सर, ये रिकॉर्डिंग किधर अपलोड होगा? रिकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? अपलोड किधर होगा? रिकॉर्डिंग मास्टर क्लास के चैनल पे अपलोड होता है ना। वेव ऑप्टिक्स गाइस, मैं मॉडर्न फिजिक्स के साथ पढ़ाता हूँ वेव ऑप्टिक्स, वो लेकिन साउंड वेव एंड इसकी तरह ही होता है, लेकिन वो मैं जनरली मॉडर्न फिजिक्स के मतलब मॉडर्न फिजिक्स के साथ पढ़ाता हूँ। सो मॉडर्न फिजिक्स में ही मेरा वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाता है। डन सर। चलो लिख के हो गया गाइस, लिख के हो गया क्या? लिख लो आराम से लिख लो। और लिखते वक्त आपको यूज क्या करना है? अपना स्क्रीन शेयर यूज करो। देखो कभी कभी क्या होता है ना, अभी मतलब जो बताऊंगा ना मैं, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना आपके पास, पीपीटी में दे दूंगा इसका, इसके जो जो भी एनिमेशन है वो देखते रहो, ठीक है? ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे ना गाइस, अभी जो भी अभी आगे आगे मैं जो भी पढ़ाऊंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब एकदम सिंपल। जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना फंसोगे इसमें, ठीक है? और वेव्स वैसे भी एकदम चिंदी टॉपिक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। तो जेई एडवांस में भी, जेई मेन में भी, नीट में, तीनों में वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। तो आपको एकदम मैकेनिक्स की तरह ना एकदम अलग दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है? हाँ, कभी कभी डेरिवेशंस होते हैं, इसमें होते हैं, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, ऐसा लगेगा कि दिमाग लग रहा है। तो कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आई, तो आज के आज जाके लेक्चर होने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर सोच विचार करो, हो जाएंगे। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते। टाइप्स ऑफ वेव्स हो चुके अपने, हम लोग मैकेनिकल वेव्स ही देखने वाले हैं, जिसमें ट्रांसवर्स वेव आज देखेंगे, स्ट्रिंग वेव जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होगा, ऑसिलेशन जो होगा पार्टिकल का वो परपेंडिकुलर टू द एनर्जी फ्लो होगा, ठीक है? तो ये आज हम लोग देखेंगे। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और आगे कोई भी मैकेनिकल वेव देखते हैं, कोई भी मैकेनिकल वेव देखते हैं तो उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव करके मैंने हेडिंग डाला हुआ है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, ठीक है? तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला होता है एम्पलीट्यूड। देखो वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, मतलब ये जो कोई भी मीडियम पार्टिकल है, देखो यहाँ पे दो डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है? मैं पहला डायग्राम, सेकंड डायग्राम पहले देखता हूँ। सेकंड डायग्राम में देखो, जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, तो ये पार्टिकल तो देखो एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। तो इस पार्टिकल का जो पार्टिकल है, मीडियम का पार्टिकल, उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा मीन पोजीशन से, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। भाई एसएचएम में पढ़ा हुआ है आपने, तो एम्पलीट्यूड का टर्म आपको पता ही है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। लिखने की जरूरत है क्या आपको ये चीज? नहीं है, क्योंकि आपको पता है एसएचएम में, ऑसिलेशन में हम लोग ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो एम्पलीट्यूड तो ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज कॉन्स्टेंट। देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज कॉन्स्टेंट, तो अपनी एनर्जी अच्छे से जा रही है, फ्लो होते जा रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डैम्प, राइट? डैम्प ऑसिलेशंस पड़ा है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी लॉस होता है। हम लोग बाद में प्रूव करेंगे, हम लोग बाद में प्रूव करेंगे कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बाद में प्रूव करने वाले अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर,
तो अब होने क्या वाला है पता है, पहले वाले केस में इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी लॉस। ये एनर्जी लॉस मतलब ये वेव की एनर्जी लॉस होते जा रही है, ठीक है। तो ये वाला वेव वैसे भी हम लोग देखने वाले हैं नहीं, हम लोग जो अपने सिलेबस में अपना वेव है वो ये सेकंड टाइप, जो सेकंड मैंने यहाँ पे कि जहाँ पे एनर्जी जो है अपनी मस्त एकदम जाती रहेगी, फ्लो होती रहेगी, ठीक है। तो ये जो चीज है, तो एम्पलीट्यूड, तो कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कोई भी वेव, हम लोग जब भी वो एक टर्म यूज करते हैं ना वेव, तो कभी भी ना तीन टर्म दिमाग में आनी ही चाहिए आपको। जैसे मैंने वेव बोल दिया, पहला एक टर्म आना चाहिए एम्पलीट्यूड, दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड टर्म आना चाहिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को आप लोग को पता ही है भाई, फ्रीक्वेंसी एफ होती है, राइट। अब मैंने तो एक और टर्म डिफाइन किया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम पीरियड, मतलब एक सेकंड में कितने बार वो ऑसिलेट हुआ मीडियम पार्टिकल, इसे तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है, बहुत सारे अलग अलग बुक में ना फ्रीक्वेंसी का अलग अलग सिंबल है। मैं आपको ना तीन सिंबल यहाँ पे दूंगा, कुछ बुक में आपको एक फ्रीक्वेंसी का एफ सिंबल मिलेगा, कुछ जगह पे ऐसे कुछ एन टाइप का सिंबल मिलेगा, और कुछ इसमें ऐसा वाला सिंबल मिलेगा, देखो ऐसा वाला न्यू। ये तीन सिंबल होते हैं, तीनों दिन सिंबल फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज करेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग यूज किया जाएगा। जैसे एच सी वर्मा में अलग सिंबल यूज किया जाएगा, एनसीईआरटी में कुछ अलग होगा, डीसी पांडे में कुछ अलग होगा। तो ये तीनों दिन सिंबल हम लोग यूज करेंगे, कभी कभी एफ यूज करेंगे, कभी कभी एन यूज करेंगे, कभी कभी ऐसा यूज करेंगे, आपको जो करना है वो करो, आपको जो करना है वो करो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हम लोग ने एक और टर्म डिफाइन किया था, आपको सबको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो टू पाई एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, विच इज टू पाई अपॉन टाइम पीरियड, ये भी आपको पता है, राइट। और जो थर्ड होता है दैट इज वेलोसिटी, गाइज थर्ड टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नेटिक स्पीड होता है, डायरेक्शन जोड़ दिया स्पीड को तो वेलोसिटी बनती है, सबको पता है। तो स्पीड ऑफ द वेव ये भी एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द वेव और वेलोसिटी ऑफ द वेव, इसको हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ वेव। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तीन टर्म हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिए, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, जो वेव को डिफाइन करता है। और मैं आपको यहाँ पे बोलू, यहाँ पे मैं आपको बोलू तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, और इसको मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से। मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में देखो, मैं बॉक्स बना के लिख रहा हूँ मैं गाइस, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ करो या एन करो, ठीक है, दोनों सिंबल। ये जो होता है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कोई भी वेव की, इट डिपेंड्स अपॉन सोर्स। अब सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स मतलब क्या है? आपने देखा होगा स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग वेव बनती थी, तो वहां पे हाथ के ऊपर एक स्ट्रिंग है, वहां पे एक स्ट्रिंग लो आपके हाथ में से जोड़ दो और हाथ ऐसा ऊपर नीचे करो, तो सोर्स क्या हो गया, मेरा हैंड हो गया ना जो ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है मेरा हैंड, तो मेरा हैंड ऑसिलेट कर रहा है उसकी वजह से स्ट्रिंग बन रही है। तो ये जो हैंड को ऑसिलेशन था, SHM था, उसके वजह से स्ट्रिंग वेव बनी, राइट। तो ये हो गया मेरा सोर्स। तो गाइस ध्यान में रखना, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन सोर्स, दिमाग में डालो, इट डिपेंड्स अपॉन सोर्स। लेकिन जो स्पीड होता है, स्पीड दिमाग में रखना, स्पीड ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। थेरोटिकल इक्वेशन बन सकता है, थेरोटिकल नीट में भी बन सकता है, जेई मेन में भी बन सकता है, एडवांस में तो नहीं बनेगा लेकिन इतना तो बन सकता है, ठीक है गाइस। तो ये जो है तीनों तीन टर्म्स फटाफट लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स करके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स करके लिख दो, मैकेनिकल वेव्स जो ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा आपको कुछ अलग लग रहा होगा ना, बहुत सारा थेरोटिकली चीज लिखवा के दे रहा हूँ मैं। यस सर। क्योंकि अभी है वेव्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा थेरोटिकली लिखना पड़ता है, मतलब मैं एकदम ज्यादा लिखवा के नहीं दूंगा, ठीक है। श्रुति ने पूछा कि ओके
मैकेनिक्स का वेटेज कितना है गाइस, अभी देखो ना यार, कोई सब कुछ रैंडम चल रहा है। जब जेई मेन की इतने सारे अटेम्प्ट आए, बराबर जेई मेन की इतने सारे अटेम्प्ट आए, फर्स्ट दो तीन शिफ्ट, दो शिफ्ट में मैकेनिक 50% आया, ठीक है, एक तो शिफ्ट में मैकेनिक 50% आया, और एक वाले शिफ्ट में नॉर्मल आया जो तीन चार 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 क्वेश्चन वगैरह आए, चार से पांच क्वेश्चन आए, ठीक है, कुछ जगह पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आया ही नहीं। तो ये बहुत ही मतलब होता है ना, आपको सब कुछ पढ़ना है इन शॉर्ट, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। और जनरली जो अभी जेई मेन का पेपर आ रहा है, ठीक है, जेई मेन का जो पेपर आ रहा है, अपने डैड बनते ना जी, इजी वाले डैड बनते, इजी वाले गाइस, अपने जो इजी इजी वाले डैड बनते हैं ना, वही है जेई मेन का, इस बार का लेवल वही है जेई मेन का। तो नीट का तो और कम होगा, सोचो आप लोग, नीट का तो और कम होगा, ठीक है, नीट का तो और कम होगा, तो अच्छी बात है। तो अपन तो थोड़ा सा अपर लेवल पे पढ़ेंगे, क्योंकि आपके टाइम पे भरोसा नहीं, कभी कभी क्या होता है जैसे मैथ कुछ कुछ जगह पे लेंथी आ गया, तो कुछ भी हो सकता है ना। मतलब अपन तो क्या करेंगे, अपन एकदम अच्छे लेवल पे पढ़ के रखेंगे, पेपर कैसे भी आए चलेगा, अपने को कोई लेना देना नहीं है। एडवांस का तो वैसे डिफिकल्टी आने वाला है, वो कुछ भी हो जाए, ठीक है, एडवांस तो कैसे भी हो, पिछले साल भी डिफिकल्टी आई थी, इस साल भी डिफिकल्टी आएगा, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले वो बताओ सर, वो फ्रीक्वेंसी के दो सिंबल्स है उनका नाम क्या है? ये एक को मतलब ये जो होता है ना, ये न्यू बोलते हैं उसको, छोड़ दो ना उसको, बाद में कर देंगे, ठीक है, चले। एक म्यू सिंबल करके होता है वो, ओके सर। डन सर। सर वो बॉक्स का फिर एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। वो बॉक्स में दिखा है, वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना सर। बॉक्स में, हाँ बॉक्स में लिखा है कि, तो देख बॉक्स में लिखा है कि एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी होती है ना वेव की, जो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी है ना भाई, वेव जब ट्रेवल करेगा ऐसा आगे ऐसा ऐसा करके जाएगा ना स्प्रिंग वेव, तो जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, वो डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर, समझ में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स। और जो स्पीड होता है वेव का, जो स्पीड होता है वो डिपेंड किसके करता है, मीडियम, समझा। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एक वो एक मीडियम की प्रॉपर्टी, एक सोर्स की प्रॉपर्टी, मतलब ये दो चीजें, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ओके सर, ठीक है गाइस। तो इतना समझ में आया ना तुम लोग को, मैंने आपको क्या बोला, टाइप्स ऑफ वेव्स तो आपके हो चुके हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वगैरह सब कुछ हो चुका है, राइट। मैंने बोला टाइप्स ऑफ वेव्स क्या होते, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में दो टाइप है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल, जो अपना हो चुका है। ट्रांसवर्स वेव हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जहां पे ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल एंड एनर्जी दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो ये पढ़ चुके हम। देखो मैं एक स्ट्रिंग वेव वापस दिखा रहा हूं आपको, देखो स्ट्रिंग वेव में देखो हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक वेव बन गई, आगे चली गई। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जब वेव आगे जा रही है, मीडियम पार्टिकल ऊपर नीचे, मतलब मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वेव आगे, मतलब वेव एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो इसलिए वेव का डेफिनेशन क्या था, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है ना वेव क्या है इन शॉर्ट, यस, ठीक है, चलो। तो अब ये सारे टर्म्स में इनिशियली में सारे टर्म्स लिख रहा हूं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, अब ध्यान में रखना, हम जो दो टर्म्स यूज करेंगे, एक करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और दूसरा हम लोग यूज करेंगे सिंपल हार्मोनिक वेव। अब एक मिनट रुको, कोई किसी का है, मुझे वापस एक बार ये करना पड़ेगा, ठीक है। ओके,
सो गाइज यहाँ पे जैसे हम लोग ने देखेंगे अभी हम लोग को और दो टर्म्स पढ़ने हैं. एक टर्म है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और दूसरा है सिंपल हार्मोनिक वेव. ठीक है, अभी दो टर्म क्या है वो पहले मैं आपको बताता हूँ. अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसको बोलेंगे, देखो यहाँ पे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसको बोलेंगे, जहां पे गाइज वेव का ये जो वेव यहाँ पे दिए ना, देखो ये वेव है जो जा रही होगी राइट, ये ऐसे एनर्जी फ्लो कर रहा होगा, एनर्जी फ्लो इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये वेव इस तरफ जा रही है. ठीक है, अब इस वेव का गाइस किसी का तो माइक चालू है ना, इस वेव का सपोज मैंने ऐसा बोला, जब इस वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है गाइस, इस वेव का एम्पलीट्यूड, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका स्पीड, ये तीनों चीज सपोज कांस्टेंट है. देखो यहाँ पे तीनों चीज सपोज कांस्टेंट है. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इट डज नॉट वेरी विद टाइम, टाइम के साथ सपोज बदल नहीं रही है, टाइम के साथ ये बदल नहीं रहा है, तो ऐसे टाइप के वेव को हम लोग बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, PPW, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. तो जो अपनी वेव होती है ना, सपोज इस वेव के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, इट इज नॉट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, मतलब टाइम के साथ वेरिएबल नहीं होता, मतलब एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी वही की वही रहती है, तो ध्यान में रखना. तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, जो ऑसिलेट कर रहे हैं, वो सारे पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो सपोज SHM है, SHM होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. जो ऑसिलेशन, देखो ध्यान में रखना, जब ऑसिलेशन क्या होने वाला है, SHM होने वाला है, तो ऑसिलेशन जब SHM होगा तो इसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक वेव. तो हम जो पढ़ने वाले ना गाइस, सिंपल हम लोग कौन सा वेव पढ़ने वाले पता है, जो हम स्ट्रिंग वेव पढ़ेंगे, लॉजिकल साउंड वेव पढ़ेंगे, वो सब कौन सी वेव होंगी, सिंपल हार्मोनिक वेव, SHW, सिंपल हार्मोनिक वेव ही हम लोग उसको बोलेंगे. ठीक है, तो इसको अभी पहले लिख दो, ये दो टर्म्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. SHW का मतलब मैंने बोला ना, सिंपल हार्मोनिक वेव. जब वो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं, वो भाई जो ऑसिलेशन कर रहे हैं पार्टिकल, वो ऑसिलेट करने वाले पार्टिकल, वो ऑसिलेशन जब SHM होगा तब उसको सिंपल हार्मोनिक वेव बोलेंगे. इसमें समझना क्या है गाइस? हाँ बोलो. So this is only valid for transverse waves, right? Transverse and longitudinal both. Oh, okay. गाइस एक पॉइंट समझ में, मतलब एक पॉइंट दिमाग में रखो, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडल का ना सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सारे वर्ड्स भी सेम है, हर एक चीज सेम है. सिर्फ ट्रांसवर्स में क्या होगा, पार्टिकल जो ऑसिलेट होगा वो ऊपर नीचे करेगा ऐसे ऐसे, और वेव ऐसे जाएगी. ठीक है, और लॉन्जिट्यूडल में कैसे करेगा, पार्टिकल ऐसे ऐसे करेगा, वेव उसके पैरेलल जाएगी. समझ में आ रहा है? बस फर्क उतना ही होने वाला है, बाकी हर एक चीज सेम होने वाली. तो मैं ना पिछले अगले लेक्चर में सिर्फ कंपेयर करने वाला हूँ चीजें, अपने इस पूरे लेक्चर में डिफाइन कर लेंगे, अगले लेक्चर में सिर्फ कंपेयर करके उसको फटाफट फटाफट स्ट्रिंग वेव की साउंड वेव बन जाएगी. समझ में? ज्यादा बिना दिमाग लगा के सोचना है, ठीक है, बिना दिमाग लगा के करना है. चलो लिखो फटाफट, लिखो. हो गया लिख के? यस सर. देखो ना यहाँ पे लिखा भी है वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एंड इवन एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट. ठीक है, एम्पलीट्यूड वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी सब कांस्टेंट है. और वैसे मैं आपको मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, फ्रीक्वेंसी जो होती है वेव की, जो फ्रीक्वेंसी होती है किसके ऊपर डिपेंड रहती है, सोर्स ना. तो ध्यान में रखना फ्रीक्वेंसी सोर्स के ऊपर डिपेंड होती है. ठीक है, तो मैं एक पॉइंट और यहाँ पे मेंशन करता हूँ गाइस. जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी ना फ्रीक्वेंसी, मैं यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स. मैंने यहाँ पे बोला था आपको, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड होती है. सोर्स इसका मतलब सपोज ऐसा पकड़ लो, किसी ने हॉर्न बजाया, ठीक है, ये हॉर्न है. अब साउंड वेव की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग वेव नहीं, कोई भी वेव ना, मैंने बोला स्ट्रिंग वेव भी बोल सकता हूँ मैं. हॉर्न बजाया तो यहाँ से एक वेव निकली, ये साउंड वेव है, ऐसा नहीं लिखूंगा जनरली मैं, लेकिन ऐसा पकड़ लो एक साउंड वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी,
ऐसा पकड़ लेते कोई एक एक सोर्स है, ठीक है, अब ये सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स से एक वेव निकली है, एक वेव निकली, इसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज ए, अब ये वेव जो है ना ये मीडियम वन, एक मीडियम वन है और मीडियम टू है, मीडियम वन से मीडियम टू में जा रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक वेव दूसरे मीडियम वन से मीडियम टू में जाती है तो उसको हम लोग कौन सा वेव बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड वेव। तो ये कुछ कुछ वेव यहां से निकली वो रिफ्रैक्टेड वेव निकली, कुछ जो रिफ्लेक्ट हुई होगी गाइस, कुछ लोग जो कुछ रिफ्लेक्ट वेव भी हो गई होगी ना, तो मैं इसको हम लोग बोलेंगे ऐसा रिफ्लेक्टेड वेव, और कुछ वेव यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई होगी, ठीक है, तो हम लोग ट्रांसमिट बोल सकते हैं, ट्रांसमिटेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, एब्जॉर्ब वेव, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, किसके ऊपर डिपेंड रहती है, सोर्स के ऊपर। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी ना गाइस, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स होगी वही फ्रीक्वेंसी बाकी सारे यहाँ पे जो वेव्स थे उसकी होगी, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना, कोई भी मीडियम में जाए, मतलब मैं सपोज यहाँ पे आवाज निकाल रहा हूँ, वो आवाज सपोज कोई वॉल में गया, वॉल से उस रूम में गया, मेरे बाजू वाले रूम में गया, तो इधर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वेव की, और मेरा आवाज जो दूसरे रूम में जा रहा है उधर की भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सब सेम होगी। जो वॉल के थ्रू भी जा रहा है तो वॉल के अंदर का जो वेव जा रहा है साउंड वेव, उधर भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। सिमिलरली सेम साउंड के लिए होता, स्ट्रिंग के लिए भी होगा, मतलब मैकेनिकल वेव्स के लिए बोल रहा हूँ मैं इन जनरल। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये सब थ्योरेटिकल चीजें दिमाग में रखनी होती है, तो इसलिए मैंने आपको लिखा है कि एम्पलीट एंड फ्रीक्वेंट डिपेंड्स अपॉन सोर्स एंड स्पीड डिपेंड्स अपॉन मीडियम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, स्ट्रिंग वेव जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रिंग वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। स्ट्रिंग वेव क्या होती है, स्ट्रिंग वेव बेसिकली क्या होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। अब यहां पे आपने एक चीज देखी होगी, यहां पे देखो, यहां पे देखो क्या हुआ है, यहां पे देखो क्या हुआ है, देखो टाइम, देखो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ये पार्टिकल, देखो अपना हाथ यहां पे था, टाइम इक्वल टू जीरो पे यहां पे था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया। अब थोड़ा सा इमेजिन करो ना, इमेजिन करो गाइस, इमेजिन करो, एक स्ट्रिंग पकड़ो ऐसा वॉल पे, एक स्ट्रिंग पकड़ो, मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा इसका, एक स्ट्रिंग पकड़ो ऐसे और थोड़ा सा हाथ ना सा ऊपर लेके जाओ, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग दिखेगी। देखो स्ट्रिंग का शेप ऐसे दिखेगा कुछ, देखो यहाँ पे पहला जो डायग्राम है, देखो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद वो जो हाथ अपना ऊपर लेके गया, अपन वापस उसको नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो यहाँ पे जो सेकंड डायग्राम बनाई है, यहां से यहाँ पे दिखेगा सेकंड डायग्राम, बराबर। और उसको वापस मैं उसी पॉइंट पे लेके आया, मतलब एक पूरा का पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो यहाँ के बाद ये दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो ऐसा एक वेव बनेगा, और फिर मैं वापस वही हाथ नीचे लेके जाके वापस ऐसे आया, तो पूरी की पूरी एक ऐसी वेव मिलेगी। देखो ना यहाँ पे, ये हाथ दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो हाथ, देखो हाथ तो उसी जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है और एक वेव जनरेट हो रही है, तो उस तरीके से होगा, ठीक है। चाहिए तो मैं उसका एक छोटा सा एनिमेशन भी दिखाता हूँ, एनिमेशन दिखाता हूँ, आगे चलो, एक मिनट इधर नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो हाफ ऑसिलेशन, पहले हाफ ऑसिलेशन देखो, हाफ ऑसिलेशन, ये ऊपर गया नीचे आया, देख हाफ ऑसिलेशन, ऊपर गया नीचे आया, एक वेव पल्स बनी, मस्त अपनी जा रही है, राइट। इधर देखो, इधर देखो, वन ऑसिलेशन, ऊपर गया नीचे गया वापस आया, मतलब वन ऑसिलेशन मतलब ऐसे जंप पूरा, तो एक वेव बनी और आगे चली गई। यहाँ पे जब कंटिन्यूस ऑसिलेशन होगा तो ऐसे बनते जाएगा, बनते जाएगा। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है अभी, ये इस पूरे इससे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हो रहा है वेव, किस तरीके से वेव जा रही है। देखो यहाँ पे मीडियम पार्टिकल जो होंगे ना गाइस, मीडियम पार्टिकल अपने चेंज नहीं हो रहे, वो तो उसी जगह पे है। मीडियम पार्टिकल जो होंगे वो सिर्फ ऊपर जाके नीचे आके उसी पॉइंट पे आते जा रहे हैं और वेव अपनी ट्रांसफर होते जा रही है, ठीक है। तो गाइस ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखोगे मीडियम पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आया, वापस उसी पॉइंट पे आया, खत्म बात। इस बेसिकली ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे जो बोला हुआ है, यहाँ पे जो एनिमेशन दिखाया हुआ है, उससे आपको थोड़ा सा समझ में तो आ ही गया होगा। देखो यहाँ पे वन ऑसिलेशन देख लो यहाँ पे, और ये सब चलता रहेगा तो अपना वेव बनता रहेगा, ठीक है। चलो गाइस, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। चलो अभी पीछे जाते हैं अपन वापस, ये आपको समझने के लिए मैंने बोला था, अब थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैं वापस सबको रब कर देता हूँ, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एकदम कुछ नहीं, अपनी वेव एकदम सिंपल थी। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ऐसा पकड़ लो, ये पूरा का पूरा जो था ये
ऐसा पकड़ लिया टाइम टीज इक्वल टू जीरो पे कुछ नहीं है, ऐसे सिंपल एक ऐसे 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 थी, ये टाइम टीज इक्वल टू जीरो पे था ऐसे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, हाथ से उसको ऊपर उठाया, तो हाथ से ऊपर सम टाइम कुछ टाइम के लिए सारे पार्टिकल्स ऊपर, ये अपनी स्ट्रिंग है ऐसे, देखो ये स्ट्रिंग है अपनी, ठीक है। उसके बाद वो वापस हाथ अपन नीचे लेके आए, देखो जो जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप देखते रहो, ये पॉइंट पहले ऊपर गया ऐसे, फिर ये पॉइंट वापस ऊपर जाके नीचे आ रहा है, इस तरीके से वेव बनी, फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गया। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ना, ये जो टाइम है, यहाँ का जो टाइम है, थर्ड वाला जो है टाइम, टी इक्वल टू अपन टी बाई टू बोल सकते हैं, हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड में एक पल्स बन गई बराबर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जब पूरा टाइम टी इक्वल टू कैपिटल टी होगा, मतलब क्या, ऊपर गया नीचे आया वापस उसी पॉइंट पे आया, तो कुछ तरीके से ऐसे वाली वेव बन गई। और ये जो मैंने दिखाया ना गाइस, ये देखो ये जो सब दिखाया हुआ है, ये बेसिकली पार्टिकल, ये जो इधर के जो पार्टिकल्स है उनकी डायरेक्शन है, वो मतलब कहाँ पे जा रहे होंगे, इधर के पार्टिकल्स नीचे जा रहे होंगे, इधर के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे होंगे, समझ में आ रहा है तुमको? तो ये इस इंस्टेंट में ये जो एरोज दिखा है, वो उस इंस्टेंट पे पार्टिकल्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब जो मीडियम पार्टिकल्स थे ना जो ऊपर और नीचे जा रहे थे, जैसे कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स, आपको पता है ये वाला पार्टिकल कहाँ पे जा रहा होगा, अब वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस नीचे आके मतलब वो ऑसिलेट करेगा उस पॉइंट पे ऐसे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पार्टिकल का वो डायरेक्शन है, मतलब वो कहाँ पे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन सब कुछ होगा, ठीक है। तो गाइस काफी सारा एनिमेशन मैंने अभी दिमाग में डाल दिया आपके, लेक्चर के बाद इस सब एनिमेशन को वापस आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, और ये पूरा का पूरा ये, और इवन अपने कमेंट बॉक्स में भी ये सारी की सारी पीपीटी रहेगी, मैं वैसे शेयर कर दूंगा, आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, एकदम सिंपल, इस चीज में पहले एनिमेशन देखना है, और जो भी इक्वेशन डिराइव करने वाला, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट चालू होने वाला है, अब थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर दो फटाफट, इसको ड्रॉ कर दो गाइस, चाहिए तो इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। पहले किस डायग्राम को ड्रॉ करोगे, देखो पहले इस डायग्राम को ड्रॉ करो, ये डायग्राम नंबर वन, देखो मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये डायग्राम नंबर वन सबसे जो ऊपर लिखा है टॉप पे, फिर डायग्राम नंबर टू को ड्रॉ करो, फिर डायग्राम नंबर थ्री को ड्रॉ करो, फिर फोर को ड्रॉ करो, और फिर फाइव को ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है। तो फटाफट ये सब डायग्राम ड्रॉ करो, और दिखाओ कि कैसे स्ट्रिंग वेव बन रही है, और वो एरोज भी दिखाओ, एरोज भी दिखाओ भाई। ध्यान में रखना अपना हैंड किधर है, आपका जो हैंड है, या इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स, ये जो जगह है, मैं अभी हैंड नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा सोर्स, ठीक है। सोर्स, और उसके ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ ऑसिलेटर, चलेगा क्या ऑसिलेटर वर्ड भाई? ऑसिलेटर मतलब क्या होता है भाई, जो ऑसिलेट करता रहता है उसको हम लोग सोर्स बोलेंगे, सोर्स या ऑसिलेटर, ऑसिलेटर अपना मस्त इधर उधर घूमता रहेगा, कुछ निकलेगा। जैसे जब मैं बोल रहा हूं तो ऑसिलेटर कौन है, मेरा मुंह जो है वो ऑसिलेटर है, ठीक है। अब कोई, अब हैंड में स्ट्रिंग होगा, हैंड अपना आगे नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तो अब ये जो हैंड है वो ऑसिलेटर बन गया। तो ऑसिलेटर मतलब एनर्जी सोर्स, जहां से बेसिकली वो एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो कौन से वर्ड गाइज हम लोग ने पढ़े, ठीक है, फटाफट एक छोटा सा रिवीजन कर देता, पहले एक लिखो फिर उसके बाद में रिवीजन करवा दो, ठीक है। मतलब कौन से वर्ड्स पढ़े उसका रिवीजन करवा दो। प्रीवियस स्लाइड में क्या था, ये था ना, ये तो आपने लिख के रखा होगा ना, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एंड सिंपल हार्मोनिक वेव, तो हो गया था आपका, देखो अभी ये चीज। ठीक है, ये कर लो, हो गया, फटाफट ड्रॉ करो गाइस, फटाफट ड्रॉ करो। और जब लेक्चर हो जाएगा, देखो एक एक सिंपल चीज आपको बोलता हूं मैं, अब वेव्स अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो वेव्स टॉपिक पढ़ते पढ़ते उसके ऊपर कमांड लाओ, वेव टॉपिक पढ़ते पढ़ते कमांड लाओ, ठीक है। मतलब आगे के जो दो महीने, मैंने आपको जैसे बोला था ना, वेव्स एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पूरा अच्छा होना चाहिए, मतलब उसको खत्म कर दो। और मैकेनिक्स धीरे धीरे, जो आतिफ सर ने आपका मस्त टाइम टेबल बनाया होगा कैसे क्या क्या करना, तो मैकेनिक्स को धीरे धीरे अपना कब्जा करते जाओ। क्योंकि पूरा मई जून जुलाई अपने को इलेक्ट्रोडायनामिक्स पे देना है गाइस, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स पे देना है।
सोम वो होगा, जे एडवांस सेशन होगा, वो मैं अभी इस बार का नहीं हुआ वो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ते रहना है अपने को, करते रहना। इसी का तो माइक चल रहा है भाई। हाँ आज रे ऑप्टिक्स का मैं एडवांस शीट दे रहा हूँ आपको, आज आज आपको मिल जाएगा, मेरे पास है वो, एक्चुअली मैं फॉरवर्ड करने भूल गया ग्रुप में, मैं दे देता हूँ। रे ऑप्टिक्स का एडवांस शीट आपको मिलेगा, उसमें अराउंड 15 क्वेश्चन है, सॉल्व करके रखो, डिस्कशन करेंगे बाद में। तो नेक्स्ट वेडनेसडे तक सॉल्व कराना? हाँ नेक्स्ट वेडनेसडे तक सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़े क्या गाइस? एक मिनट सर। ठीक है ठीक। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, in plane progressive wave, I'm not clear whether the wave does SHM या सिर्फ उसका source SHM करता है। Oscillation करता है, oscillation करता है। मैंने क्या बोला? Plane progressive wave क्या होती है? जिसमें particle क्या करता है? Oscillation। क्या मुझे बता? हर एक oscillation SHM होता है? No, sir. हाँ तो जो plane progressive wave होगी उसमें मतलब oscillation होगा और normal जो होगा और ऋतु जो तेरा mic ना बहुत ज्यादा आवाज करता है, बहुत ज्यादा आवाज, मतलब वो कुछ तो क्रिकेट तो एक तो इधर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है वो। तो तू अपना चैट पे लिखते जा, ठीक है? अभी गाइस मुझे होता इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है अब चलो गाइस सुनो, सब लोग सुनो गाइस। अब काफी सारे ये अपने गाइस सुनो, काफी सारा अपने मतलब थेरी काफी हो गई, सारे वर्ड्स आपको पता चल गए, ठीक है? अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा वर्ड्स के अंदर जो वर्ड्स हम लोग ने पढ़े ना उसके अंदर का रिलेशन ढूंढते हैं, रिलेशन, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज चालू होने वाली है, अब से थोड़ा आधा घंटा हम लोग मैथमेटिकल ही चीजें देखेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बोला वेव कब जनरेट होती है, जब कोई भी एक कोई भी सोर्स ऑसिलेट करता है वेव जनरेट होती है, राइट? अब वेव जनरेट होने वाली है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग वेव, ठीक है? तो हम लोग अभी अपना डिस्कशन जो है स्ट्रिंग वेव के ऊपर ही रखेंगे, सेम टू सेम हर एक चीज वैलिड होगी साउंड वेव के लिए भी, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिग्रेशन अलग हो जाएगा, चीजें इमेजिन थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। अब पहले तो ना मैं जो मैंने टर्म्स कुछ पढ़े थे, जैसे फ्रीक्वेंसी टर्म मैंने पढ़ा था, टाइम पीरियड टर्म पढ़ा था, स्पीड टर्म पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद एक और टर्म था लैम्बडा, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। अभी एक नया टर्म आएगा वेवलेंथ लैम्बडा, जिसके जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लेकिन डिस्कस नहीं किया था। अब इन सबके ऊपर ना रिलेशन क्या है, इन एक दूसरे का रिलेशन क्या होता है, तो थोड़ा सा अपन रिलेशन देखते हैं इसके। अब रिलेशन पहले अपन डिराइव करते हैं। पहले मुझे बताओ, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है, जो अभी जो जो मैं दिख रहा हूं यहाँ पे, एकदम ध्यान से सुनो गाइस, ध्यान से सुनो। एक स्ट्रिंग रखी हुई है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना सोर्स आया, सोर्स मतलब ऑसिलेटर आया, मतलब यहाँ पे अपना हैंड है, बेसिकली अपना हैंड है, और वो ये हैंड, ये पार्टिकल जो है, एक बात बताओ मुझे, जब पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, एक पूरा का पूरा SHM किया, पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आके एक SHM किया, तो अब मुझे बताओ जो एनर्जी, जो वेव हम लोग बोलते हैं ना इसको एनर्जी, अब मुझे तो एनर्जी कैसे दिखेगी, कैसे गई होगी, कहां तक पहुंची होगी एनर्जी, कहां तक पहुंची होगी, कुछ ऐसे ये पूरा का पूरा वेव ऐसे इधर पहुंचा होगा, इधर पहुंचा होगा, मतलब इधर पहुंचा होगा पूरा का पूरा एक वेव इस टाइप का बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसका मतलब जब ये एक पार्टिकल, यार कोई तो आ गया, एक मिनट रुको, क्योंकि मुझे
गाइस एक मिनट रुको, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मैं वापस एक बार ट्राई मार स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो गाइस यहां पे ध्यान से सुनो, अभी ये जो मैं बोलने वाला हूं ना, एक अच्छे से तरीके से सुनो, ठीक है। अब यहां पे ऐसा पकड़ लो, स्ट्रिंग रखी हुई है, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में ये बेसिकली यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स, ठीक है। सोर्स मतलब यहाँ पे अपना हैंड हो सकता है। अब ये हैंड क्या करेगा, हम हैंड को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे, वापस, मतलब हैंड बेसिकली एक पूरा का पूरा SHM जब कंप्लीट करेगा, जब ये हैंड पूरा का पूरा एक SHM कंप्लीट करेगा, मतलब पूरा का पूरा हैंड ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वापस इधर आएगा, ठीक है। तब मुझे बताओ यहाँ पे एक वेव बनेगी, ये ऐसे टाइप की कुछ वेव बनी, ये उस पॉइंट पे, मतलब ये जो स्ट्रिंग थी ना, अभी स्ट्रिंग स्टेट नहीं है, इधर का जो पार्टिकल था, मुझे बताओ जो इधर का पार्टिकल है, वो इधर का पार्टिकल इधर है क्या अभी, नहीं है। ये पार्टिकल कहाँ पे, इधर है, ध्यान में रखना, ये इधर पार्टिकल है, समझ में आ रहा है, ये पार्टिकल अभी इधर नहीं, इधर है, इतना ध्यान में रखना। मतलब एक चीज मुझे बात बताओ, जब मैं ये पार्टिकल जो इधर का जो चीज है, ये जब ऊपर और ऊपर जाके जब नीचे आएगा, ठीक है, मतलब कितना टाइम लगा इसमें, टोटल टाइम कितना लगा, टी टाइम पीरियड ना भाई, टाइम पीरियड ऑफ द SHM, तो पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड टी के बाद जो एनर्जी है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा, और इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, समझ में आ रहा है। मतलब उस एनर्जी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना। इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल जब ऊपर जाके जब नीचे आया तो ये पार्टिकल भी डिस्टर्ब होना चालू होगा। अब कौन सा पार्टिकल डिस्टर्ब होना चालू होगा, ये भी ऊपर जाके नीचे आएगा ना पूरा का पूरा, ये भी ऑसिलेट करेगा। मतलब एक पार्टिकल अपना यहाँ पे ऑसिलेट किया इधर का, उसने सारे मीडियम के पार्टिकल को ऑसिलेट करवाया, मतलब SHM करवाया, समझ में आ रहा है क्या। तो ये सारे पार्टिकल SHM अपने करने लगे, और जो SHM करने लगे अपना वेव इस तरफ ऐसे जाने लगा, देखो ये वेव इस तरफ ऐसे जाने लगा, एनर्जी इस तरफ ऐसे जाने लगी, और ये पूरी की पूरी कंटिन्यू ऐसी चलती रहेगी, जो हम लोग ने एनिमेशन में भी देखा है। देखो ना यहाँ पे मैं एनिमेशन में यहाँ पे दिखा दिया था, राइट, ये देखो यहाँ पे एनिमेशन, देखो ना एक पार्टिकल, देखो यहाँ पे देखो वन ऑसिलेशन, देखो एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट हुआ, एनर्जी पूरी की पूरी ऐसी चली गई, देखो यहाँ पे पूरी की पूरी एनर्जी ऐसी चली गई, यही तो ऑसिलेशन मैंने दिखाया था, राइट। अब ध्यान में रखना गाइज, अब इस केस में ये होगी वेवलेंथ, ये हो गया। मुझे बताओ मतलब इधर से इधर लैम्ब्रा डिस्टेंस ट्रेवल करने को इस वेव को कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा गाइस, जो टाइम लगा वो लगा कैपिटल टी, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव ने या वो एनर्जी ने कितना किया, लैम्ब्रा, ठीक है। तो मुझे होता स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, कि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नाम की चीज नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है, लैम्बडा, टाइम था टी, ये था स्पीड, तो ये अपना बन गया v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी। कुछ दिक्कत है क्या इसमें, इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी। नाउ यू नो व्हाट इज 1/t, 1/t इज फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग लिख सकते, देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी लिखेंगे, इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, लैम्बडा 1/t को हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन लैम्बडा, ये भी तो इक्वेशन बन गया। अब कुछ लोग फ्रीक्वेंसी को, मैंने आपको बोला ना कुछ बुक में फ्रीक्वेंसी को ये ऐसा वाला सिंबल है, ऐसा वाला सिंबल है, तो एक ही चीज हो गई ये चीज, ठीक है। तो गाइस ध्यान में रखना, मैंने ये दो चीजें जो दो स्टार मार्क करके लिखे फटाफट लिख दो, ठीक है। तो अपना फर्स्ट इक्वेशन बन चुका है, रिलेशन बिटवीन लैम्बडा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। हाँ ज्यादा एकदम फील कर, मुझे एक डाउट था। हाँ क्या डाउट है भाई? सर अभी अपन इसका वर्टिकल ऑक्सीलेशन कर रहे हैं, लेकिन हाँ। सर उसका जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो क्यों हो रहा है, यानी मूवमेंट तो वर्टिकल हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का रीजन क्या है? अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं वही तो बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर, वही तो मैंने बोला ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, एनर्जी तुमको ऐसा एनर्जी लगेगी, एनर्जी जा रही है हॉरिजॉन्टल, कुछ एनर्जी टाइप कुछ फ्लो जा रहा है ना, कुछ टाइप ऐसा कुछ टाइप का फ्लो जा रहा है ना यहाँ पे, कुछ जा रहा है ना यहाँ पे, कुछ जो स्ट्रिंग वेव जाती है तो जो इमेजिन करता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी, उसको हम लोग तो बोलते हैं ना वेव। तो वेव जाती है हॉरिजॉन्टल और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वर्टिकल, तो दोनों परपेंडिकुलर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। समझ में आ रहा है? ओके सर।
थैंक यू सर, ज्यादा एकदम हाँ ज्यादा दिमाग मत लगा तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ उतना पहले सुनते जाओ ठीक है। हेडिंग डाल दो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी टाइम रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी स्पीड एंड वेवलेंथ। अब ये वाला जो रिलेशन है दिमाग में डालना है ठीक है। मैं बाद में क्या करूंगा पता है, एक पूरा का पूरा ऐसा एक वेव्स के एकदम एंड में मैं पूरा का पूरा एक सिर्फ एक पेज बनाऊंगा, एक पेजर, उसके ऊपर सारे फॉर्मूले होंगे, बस उतने फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं, बाकी कुछ रखना नहीं है ठीक है, बाकी कुछ नहीं रखना है, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा ना, और v इज इक्वल टू स्पीड, वेवलेंथ, वेव का स्पीड जो होता है लैम्बडा अपॉन टी। इसमें क्या है, लैम्बडा इज व्हाट, डिस्टेंस, टाइम इज टी, लैम्बडा इज कॉल्ड वेवलेंथ। एंड व्हाट इज वेवलेंथ, जब वन ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है या वन SHM जब कंप्लीट होता है एक टाइम पीरियड में, वेव कितना आगे जाती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसको लैम्बडा बोलते हैं। कुछ लोग ना यार ये फॉर्मूला लिखते हैं बिना ये समझ के, मतलब उनको पता ही नहीं रहता ये सब चीज क्या होती है, तो इसलिए मैंने इतना सारा एनिमेशन डाला कि आपको ना हर एक चीज समझ में आए ठीक है, थोड़ा सा तो वेव को आप फील कर पाओ, नहीं तो वेव एकदम ड्राई टॉपिक बन जाता है, एकदम ड्राई मतलब बहुत ही गंदा लगता है लोगों को, फिर बोलते सर क्या पढ़ा रहे हो ऐसा बोलते कुछ लोग। बस सर ठीक है, तो आगे बढ़े गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो जिनका नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसको ये दो टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, फेज डिफरेंस वर्सेस पाथ डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, फेज डिफरेंस वर्सेस पाथ डिफरेंस ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, पाथ डिफरेंस को मैं लिखता हूं, मतलब मैं ऐसा लिखता हूं यहाँ पे, पाथ डिफरेंस को मैं एक सिंबल डालता हूं, लेट्स से डेल्टा एक्स ठीक है। तो मैं पाथ डिफरेंस को, एक मिनट मुझे पहले थोड़ा सोचने दो कि मैं ये एक मिनट इसको स्टार्ट करते हैं, रुको जरा। ठीक है गाइस, सब लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनो ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले फेज डिफरेंस वर्सेस पाथ डिफरेंस ठीक है। अब फेज डिफरेंस को ना हम लोग यहाँ पे एक सिंबल डाल देंगे ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा फाइव, दैट इज फेज डिफरेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इसको मैं डेल्टा एक्स लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पाथ डिफरेंस ठीक है, क्योंकि अभी अपना वेव जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही जा रहा है ठीक है। अब थोड़ा सा अपने को याद करना है, क्योंकि जस्ट हम लोग का SHM खत्म हुआ है ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ गाइस, सिंपल वाला बात बता ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वेव ऑलरेडी मैंने वो ड्रॉ किया है, लेकिन इसके बाद भी मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। एक स्ट्रिंग वेव, ये स्ट्रिंग है बेसिकली, स्ट्रिंग ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी अब तक कुछ वेव स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मतलब कुछ वेव ना स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब यहाँ पे पकड़ो, ये वाला जो पार्टिकल है ये ऊपर जाके नीचे जाके मतलब SHM होना चालू हो गया। देखो SHM अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे बताओ, जब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वापस इधर जाएगा, इधर जाएगा, जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो कौन सा वाला वेव मिलेगा, एक ऐसा वाला टाइप का वेव मिलेगा, कुछ ऐसा इस तरीके से
दो करेगा, दो ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा वेव, ऐसे बनेगी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आगे आगे जा रही होगी, और तीन बार करेगा, तीन बार पूरा का पूरा एसएचएम करेगा, तीन ऐसे वेव वाले चीजें मिलेगी आपको, फिर मिलते जाएगी, राइट? ऐसा तो होगा। तो अब एक बात बताओ मुझे, आपको पता है ना एसएचएम का मतलब क्या होता है? जब कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है, तो मैंने एक सिंपल सी बात आपको बताई थी, जब मैं बोलता था कि एक एक पार्टिकल, ये पार्टिकल जब एसएचएम करेगा तो बेसिकली कोई ना कोई एक पार्टिकल क्या करेगा, मतलब वो एक एक जो भी पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका जो वाई कंपोनेंट है वो एसएचएम कर रहा है, ये मैंने बोला था आपको, बराबर ना? कोई ना कोई एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका वाई कंपोनेंट एसएचएम कर रहा है, ये मैंने आपको बोला था, ये अपना एसएचएम का एकदम सिंपल बेसिक था जो अपना हो चुका था। अब मुझे एक बात बताओ, ये पार्टिकल नंबर वन, पार्टिकल नंबर लेट्स से यहाँ पे टू पकड़ते हैं, और पार्टिकल नंबर कोई यहाँ पे थ्री पकड़ लेते हैं, मुझे बताओ सबसे पहले एसएचएम कौन कर रहा है? पार्टिकल नंबर वन, पार्टिकल नंबर टू या पार्टिकल नंबर थ्री, सबसे पहले एसएचएम कौन कर रहा है? पार्टिकल नंबर वन कर रहा है। भाई पार्टिकल वन एसएचएम चालू कर दिया ना, पार्टिकल थ्री पे तो अभी तक पहुंचा ही नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? ये पहले ऐसे ऐसे पार्टिकल नंबर वन जो है वो ऊपर जाना चालू हो गया, ठीक है? फिर कुछ टाइम के बाद पार्टिकल टू क्या करना चालू कर दिया, एसएचएम करना चालू कर दिया। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल नंबर थ्री एसएचएम करना चालू कर दिया। तो मुझे बताओ कौन सा पार्टिकल आगे है? अब हम लोग बोलते हैं ना फेज, देखो अभी दो वर्ड आएंगे, लीड और लैग, ये दो वर्ड आने वाले, लीड एंड लैग, और ये वर्ड ना बहुत काम के होते हैं, लीड एंड लैग। लीड मतलब क्या? आगे, लैग मतलब क्या? पीछे। लीड कौन कर रहा है इसमें सबसे ऊपर? लीड कौन कर रहा है, कौन सा पार्टिकल लीड कर रहा है? वन, पार्टिकल नंबर वन। भाई थ्री मत बोलो, कौन क्यों थ्री बोल रहे हो, तुम पगला गए हो क्या? पार्टिकल नंबर वन लीड कर रहा है क्योंकि वो आगे है, उन्होंने एसएचएम पहले चालू कर चुका है। पार्टिकल नंबर टू पीछे है, उसके सबसे पीछे कौन है? पार्टिकल नंबर थ्री, क्योंकि वहां पे वेव तो बाद पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, राइट? थ्री सबसे ज्यादा लैग कर रहा है, उसके बाद टू, उसके बाद वन। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? अब किसी ने बोला गाइस, किसी ने बोला, अब आपको पता ना, हम जब इक्वेशन लिखते हैं, अब मुझे पता मैं एसएचएम का इक्वेशन जब लिखूंगा, और मैंने बोला इसका एम्पलीट्यूड सपोज ए है, तो इस पार्टिकल के एसएचएम के इक्वेशन में कैसे लिखूंगा? वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? इनिशियल फेज जीरो मान लेते हैं, मतलब मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होगा। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं ना, फेज, इसी को तो फेज एंगल बोलते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ सर्कुलर मोशन जब कर रहा है कोई पार्टिकल, तो पार्टिकल नंबर वन टू एंड थ्री को मैं सर्कुलर मोशन के अंदर ड्रॉ करूं, तो ये सपोज पार्टिकल, ये क्या होगा? ये देखो सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल नंबर वन सर्कुलर, देखो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ये पार्टिकल नंबर वन यहां से निकला, तो टाइम टी इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल वन यहां पे होगा, तो पार्टिकल टू कहां पे होगा? उसके आगे होगा या पीछे होगा गाइस? पार्टिकल टू कहां पे होगा भाई? पीछे ही होगा, मतलब शायद से पार्टिकल टू ने तो ऑसिलेट करना चालू भी नहीं किया होगा, एसएचएम करना चालू भी नहीं किया होगा, वो सर्कुलर मोशन करना भी चालू नहीं किया होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? वो कहीं ना कहीं पे पीछे होगा। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है? मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं, फिर आप याद रखेंगे। देखो पहले डेरिवेशन समझने की कोशिश करो, और एक बार वो डेरिवेशन समझ में आ गया ना, उसके बाद याद रखने का, फिर दिमाग नहीं लगाने का, सीधा याद रखने का, नीट एंड जेईई मेन में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है? तो पार्टिकल नंबर टू इसके पीछे होगा, मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूं, पार्टिकल नंबर थ्री और पीछे होगा, तो ये पार्टिकल नंबर टू हो सकता है, पार्टिकल नंबर थ्री हो सकता है। तो इन दोनों के अंदर का जो एंगल डिफरेंस होता है ना गाइस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। समझ में आ रहा है? एंगल, फेज मतलब क्या? एंगल, तो एंगल डिफरेंस। समझ में आ रहा है गाइस? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर जो बेसिकली यही तो होता है, इसी को हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं। और पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस, व्हाट इज पाथ डिफरेंस? जैसे कि पार्टिकल नंबर वन टू, तो ये पार्टिकल नंबर वन एंड पार्टिकल नंबर टू इधर होगा, तो इसके अंदर का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। और फेज डिफरेंस क्या हो गया? इन दो पार्टिकल के अंदर जो एंगल वाला फर्क है उसको हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो मुझे बताओ पहले फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का मतलब समझ में आया? यस सर, यस सर। अब एक काम करो, अभी तू सुनो, इसको लिखो मत, अभी मैं आपको इसको पहले
मुझे कुछ इसके अंदर देखो पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस का वो चीज मुझे बताना है, ठीक है। उसके लिए मुझे यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, वापस देखो यहाँ पे। ऐसा पकड़ लेते हैं कि वेव यहाँ पे सोर्स चालू हो गया, सोर्स अपना मस्त ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, घूमना चालू किया, एम्पलीट्यूड ए में घूमना चालू किया, उसके वजह से अपनी वेव जो है वो बनती गई। अब ऐसे वेव बनती गई बनती गई बनती गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कोई भी देखो, सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक ये पार्टिकल नंबर वन लेता हूं, और ये पूरा लाइन है, मतलब ये लाइन एक मिनट ड्रॉ करता हूं पहले, ये ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ की है, मतलब स्ट्रिंग मेरी इनिशियल पोजीशन में, देखो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे स्ट्रिंग पूरी की पूरी ऐसी थी। अब जब मैंने उसको घुमाना ऊपर नीचे चालू किया, तो मुझे बताओ इधर का पार्टिकल, देखो मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ इधर का, जैसे ये पार्टिकल नंबर टू बोलता हूं, अब मुझे बताओ ये पार्टिकल नंबर टू इधर है या ऊपर है, कहाँ पे? इधर है ना अभी तो, राइट। पार्टिकल नंबर टू भाई इधर नहीं है, वो भी ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं जस्ट बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो पार्टिकल नंबर टू इधर नहीं है, एक्चुअली पार्टिकल नंबर टू इधर है, ये है वो बेसिकली, मतलब इसी लाइन पे, क्योंकि पता है तुमको पार्टिकल नंबर टू इधर ही पूरा का पूरा ऑसिलेट करने वाला है जो हम लोग ने देखा, मतलब ऊपर नीचे एसएचएम करने वाला है, राइट। अब मुझे बताओ किसी ने बोला इसके अंदर का पाथ डिफरेंस, गाइस सब लोग ध्यान से सुनो, इसके अंदर का पाथ डिफरेंस मैंने माना एक्स, पार्टिकल नंबर वन एंड पार्टिकल नंबर टू के अंदर का पाथ डिफरेंस कितना है एक्स, मतलब उसके अंदर का डिस्टेंस एक्स है। अब वेव का स्पीड वी होगा, वेव का स्पीड सपोज वी होगा, देखो एनर्जी ट्रांसफर का स्पीड वी है, तो मुझे बताओ वेव को पॉइंट नंबर टू पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, कितने टाइम के बाद वो पॉइंट नंबर टू में पहुंचेगी वेव, भाई एक्स बाय वी ना तुम लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम कितना लगेगा उसको, एक्स बाय वी उतना टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है क्या? इतने टाइम के बाद वो पॉइंट नंबर टू पे पहुंचेगी, समझ में आ रहा है, एक्स बाय वी टाइम के बाद वो उधर पहुंचेगी। अब मुझे बताओ, मतलब सपोज जस्ट स्टार्ट हुआ वेव, जस्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन टाइम टी इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट हुआ, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल नंबर वन यहाँ पे था, तो टाइम इज इक्वल टू टी पे ये जस्ट यहाँ पे पहुंची होगी। इसका मतलब मुझे बताओ कौन आगे है, पार्टिकल नंबर वन फेज में आगे है, पार्टिकल नंबर टू कौन लीड कर रहा है, पार्टिकल नंबर वन क्या कर रहा है फेज में, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और पार्टिकल नंबर टू क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, समझ में आ रहा है, पार्टिकल नंबर वन लीड कर रहा है, पार्टिकल नंबर टू लैग कर रहा है, ये समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, अब मुझे बताओ कितना लैग कर रहा है, कितना लीड कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सब सर्कुलर मोशन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपको एक मिनट, मैं वापस एक बार इरेज करता हूँ और निकाल देता हूँ, सर्कल थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए अपना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये पार्टिकल नंबर वन जो है, अब पार्टिकल नंबर टू ने जस्ट स्टार्ट किया, देखो पार्टिकल नंबर टू जस्ट स्टार्ट किया, पार्टिकल नंबर वन तब कितना आगे था, कितना आगे था, कितने से घूम रहा था वो, ओमेगा टी ना, मैंने बोला सपोज इस ये पार्टिकल जो घूम रहा है इसका इक्वेशन मैंने बोला ए साइन ओमेगा टी होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ए साइन ओमेगा टी होगा और ये जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे बताओ ये कितना घूमने वाला है, ये जो एंगल है पार्टिकल नंबर वन एंड टू में जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, ओमेगा इंटू टी आएगा। पार्टिकल नंबर टू तो अभी जस्ट स्टार्ट किया होगा, तो अब मुझे एक बात बताओ इस केस में इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के अंदर का जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, डेल्टा फाई में बोल सकता हूँ कितना होगा, यहाँ पे ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी मतलब क्या, ओमेगा इंटू क्या, ओमेगा इंटू क्या, एक्स बाय वी, समझ में आ रहा है क्या चीज, ओमेगा इंटू एक्स बाय वी, वेयर एक्स इज वॉट, एक्स इज वॉट, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। मैं वापस एक बार आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, पहले मुझे बताओ इतना कुछ जो मैंने बताया वो समझ में आ रहा है। अब एक्स को डेल्टा एक्स लिख देता हूं मैं, तो यहाँ पे डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आई, ओमेगा बाय वी इंटू डेल्टा एक्स हो गया कुछ इस तरीके से। अब इस ओमेगा बाय वी को मैं क्या बोलूंगा गाइस, इस ओमेगा बाय वी को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं एक नया वर्ड दूंगा और इसको मैं बोलता हूँ के, इसको मैं बोलता हूँ के, और इसको मैं एक नया नाम दूंगा वेव नंबर, इसको मैं एक नया नाम दूंगा वेव नंबर। अब अच्छे से, अब देखोगे अच्छे से, मैं देखता हूँ इसको अच्छे से, देखो यहाँ पे ओमेगा को मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ, देखो मैं वेव नंबर यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के को, हम लोग ने जैसे मैंने यहाँ पे बोला के को हम लोग क्या बोलेंगे, के को हम लोग बोलेंगे ओमेगा बाय वी,
ओमेगा को हम लोग और एक टर्म है टू पाई अपॉन टाइम पीरियड, और वी को हम लोग क्या बोलते हैं लैम्बडा अपॉन टाइम पीरियड, याद है ना? स्पीड क्या होता है लैम्बडा अपॉन टी, ओमेगा क्या होता है टू पाई अपॉन टी, टी टी कैंसल, तो यहाँ पे और एक टर्म बन गया टू पाई बाय लैम्बडा, समझ में आ रहा है? टू पाई बाय लैम्बडा भी हो गया, टी टी कैंसिल हो गया टू पाई बाय लैम्बडा। तो ध्यान में रखना वेव नंबर दो तरीके से लिखा जाता है, बॉक्स में लिख रहा हूं मैं, वेव नंबर दो तरीके से लिखा जाता है, के को हम लोग ओमेगा बाय वी भी बोलते हैं और के को हम लोग टू पाई बाय लैम्बडा भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों चीजें सेम ही है, कोई दिक्कत है इसमें? और इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। पहले फर्स्ट हैंड में आपको एक समझ में आ चुका है क्या है, फर्स्ट हैंड में समझ में आ चुका है, मैं इसको लिखने के लिए टाइम दूंगा गाइस, लिखने के लिए टाइम दूंगा, मैं वापस एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं, मैं वापस एक बार उसको एक्सप्लेन करता हूं, सब लोग ध्यान से सुनो, मैं वापस एक बार इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक और पेज डाल के, सब लोग यहां पे अभी देखो, सब लोग यहां पे देखो। अब मैं इन जनरल एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन जनरल। अब ऐसा पकड़ लो एक वेव जा रही है, सुनो यहां पे, एक वेव जा रही है, ये वेव अपनी ऐसे जा रही है, कोई भी दो पार्टिकल मतलब ये ऐसा वेव है, मैंने एक पार्टिकल लिया यहां का, ठीक है, ये पार्टिकल नंबर वन और ये मैंने पार्टिकल नंबर लिया टू। मुझे बताओ पार्टिकल नंबर वन एंड पार्टिकल नंबर टू में कौन पहले घूमना चालू करेगा, कौन पहले ऑसिलेट करना चालू करेगा? पार्टिकल नंबर वन। कौन बाद में करेगा? पार्टिकल नंबर टू। इन दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस है वो है लेट्स से डेल्टा एक्स, इन दोनों के अंदर का डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे पाथ डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? पाथ डिफरेंस। अब होता क्या है गाइस, एसएचएम इसमें पार्टिकल नंबर वन पार्टिकल नंबर टू से आगे है, ठीक है, फेज में, मतलब वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना, तो कोई सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सपोज एक पार्टिकल नंबर वन सपोज सर्कुलर मोशन करते करते इधर होगा, तो पार्टिकल नंबर टू इसके पीछे होगा, और इन दोनों के अंदर का जो डिफरेंस होगा एंगल का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेज डिफरेंस। जनरली एसएचएम मतलब क्या? सर्क्यूलर, अब बेसिकली एसएचएम मतलब इसके वाई कंपोनेंट एसएचएम होगा और ये एक्चुअली सर्क्यूलर मोशन कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? बेसिकली यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है, ये वन और यहाँ पे टू, बस, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी बात है। तो अब मुझे बताओ इन दोनों के अंदर मतलब, अब मुझे बताओ जो पार्टिकल वन ने जब एसएचएम चालू किया, पार्टिकल टू ने कितने टाइम के बाद एसएचएम चालू किया होगा, कितने टाइम के बाद पार्टिकल टू एसएचएम चालू करेगा? तो पार्टिकल टू जो है वो एसएचएम चालू करेगा इतने टाइम के बाद, ठीक है। तो कितना टाइम के बाद? तो डेल्टा एक्स बाय वेव का स्पीड। अब वेव का स्पीड मैंने वी लिया है, तो डेल्टा एक्स बाय वी, इतने टाइम के बाद वो स्टार्ट करेगा। इसका मतलब पार्टिकल वन जो घूम रहा होगा, वो कितना आगे है? तो डेल्टा ए जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? ओमेगा इंटू ए टाइम ना, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है ना वो गाइस। तो ओमेगा टी ऑलरेडी वो आगे है, वो अपना फेज में आगे है, लीड कर रहा है वो, क्योंकि टू उसके बाद स्टार्ट हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यार भाई? थोड़ा सा आपको ये मेरे भावनाओं को भी समझना पड़ेगा, इससे ज्यादा तो इजी वे में तो भगवान मुझे वो भी नहीं आएंगे मतलब पढ़ाने, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ध्यान में रखना, डेल्टा जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा ओमेगा इंटू टी, ठीक है, क्योंकि टी टाइम के बाद जा रहा है, तो ओमेगा टी डिफरेंस वो मतलब फेज आगे होगा। अब ओमेगा इंटू टी, अब टी की वैल्यू अपन डाल देंगे यहाँ पे, डेल्टा एक्स बाय वी, बस तुम्हारा काम हो चुका है। और ओमेगा बाय वी, और इसको ही हम लोग ओमेगा बाय वी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? टू पाई बाय लैम्बडा बोल देते हैं, डेल्टा एक्स, समझ में आ रहा है? और इसी चीज को, इन दोनों चीज को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? वेव नंबर के बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो बस तुमको समझ में आ गया, मेरे को एक चीज पता चल गई, फेज डिफरेंस इज नथिंग बट टू पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या, इंटू पाथ डिफरेंस, और इसको हम लोग के एक्स मतलब इसको के भी बोलते हैं, ठीक है, k इंटू डेल्टा एक्स भी बोलेंगे। चलो लिख दो इसको, क्या करूं, कैसे लिखो आप, मतलब आगे से लिख रहे हो, इधर से लिख रहे हो? देखो समझना बहुत जरूरी था, वेव्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब
तक यार वेव का इक्वेशन नहीं हुआ है मेरे को अभी, वेव का इक्वेशन फिर उसका वो फिर क्वेश्चन मुझे बोला मैं थोड़ा सा पहले वेव स्टार्ट करते वक्त टाइम जाता है क्योंकि इसके बेसिक समझने में थोड़ा सा टाइम, एक बार वो समझ में आ गए तो फिर आप आगे जाके वो नहीं पूछेंगे अरे सर वेव का इक्वेशन ऐसा कैसे आया क्या आया वगैरह सब पता होना चाहिए। डाल दो ऐसी कुछ चीज, लिख दो इसको ऐसी बनाओ फिर आगे वाला चीज करो। आप मुझे बताओ ये वाला पेज आपको लिखना है या ये वाला पेज में लिखना है आपको? ये वाला सही है ना मुझे लगता है, ये वाला? यस सर, ये वाला एकदम सही है। ठीक है तो ये वाला जो चीज है ज्यादा स्टार मार्क करके लिखता हूँ। ठीक है सर, 2π / लैम्डा कैसे सब्स्टिट्यूट किया? हाँ 2π / लैम्डा कैसे हुआ वो भी देखो ना, यहाँ पे हमें इधर लिख देता हूँ ओमेगा बाई वी, यहाँ पे देखो ओमेगा बाई वी, ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं 2π / टाइम पीरियड, वी को हम लोग क्या लिखते हैं लैम्डा / टी, समझ में? तो टीटी कैंसिल तो ये क्या हो गया 2π / लैम्डा, बराबर ना भाई? ओमेगा क्या होता है 2π f ना, 2π / टी क्या होता है लैम्डा / टी, डीटी कैंसिल तो 2π / लैम्डा हो गया ना सर। लिखा है सर ऊपर ग्रीन इंक में? हाँ मैंने लिखा था, हाँ लिखा है ना यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ग्रीन में लिखा है मैंने भाई। हाँ वो तो इधर लिखा था, ओके मैं आगे वाला लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे लिख देता हूँ। चाहिए तो वेव नंबर, ठीक है वेव नंबर k इज इक्वल टू होता है ओमेगा / v। गाइस ये सब लोग इधर इतना ये लिख दो आप लोग, अब यहाँ और यहाँ पे हेडिंग डाल दो फेज डिफरेंस वर्सेस पार्ट डिफरेंस। तो गाइस यहाँ पे ओमेगा 2π / लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिख दो 2π / t, यहाँ पे लैम्डा / t, तो ये चीज हो जाएगी 2π / लैम्डा। ठीक है कोई दिक्कत? Huh? The previous slides. Can you show them for a second? हाँ ये मिल जाएगा, लेकिन इसको पहले एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके रखो आप इसका, फिर मैं उसके ऊपर आता हूँ, मैं उसके ऊपर आता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, मतलब जिसको ये थोड़ा सा लिखना है, कोई लिख रहा होगा तो मैंने अंदर ऊपर आगे किया होगा। ठीक है अब इधर का स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये तो ये और वो चीज सेम थी, मतलब ये तो मैं जस्ट अभी पहले आपको दो बार पढ़ाया वही चीज, तो ये ले लो, ये लिख लो, हो गया। नहीं रुको, ब्रेक के पहले मुझे एक चीज और खत्म करनी है, मतलब सिर्फ वेव इक्वेशन बताना है उसके बाद मैं ब्रेक दे दूंगा, वेव इक्वेशन बताना है मुझे एकदम छोटी सी 5 मिनट की चीज बची है। ठीक है अब लास्ट का ये स्क्रीनशॉट होने के बाद ये मेन था, ये लिखो आप लोग, 2 मिनट लो, मैं ब्रेक दूंगा लेकिन जरा 5 मिनट के बाद। चलो फट करके अभी अपना ना ये आने वाला है गाइस, अपना इक्वेशन ऑफ वेव एकदम फटाफट बनने वाला है, सब लोग सुनो फटाफट और उसके बाद ब्रेक। ठीक है उसके बाद और थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग है, आपको होमवर्क भी दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, आज फ्राइडे ना, क्योंकि मुझे वेनसडे फ्राइडे का लेक्चर चाहिए था, मतलब वेनसडे को ये लेक्चर होना चाहिए था तो फ्राइडे, तो दो लेक्चर लगातार होते हैं तो काफी सारा पोर्शन खत्म हो जाता है, क्या अगले वेनेसडे तक वो करना पड़ता है, नया टॉपिक फ्राइडे को स्टार्ट होता है। तो
चलो तुम पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया कि इतना? आगे बढ़ू मैं भाई, आगे बढ़ू? हाँ बोल दो भाई, आगे बढ़ू? यस सर, यस सर। ये कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे लिखा है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव क्या है इक्वेशन? भाई अब हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक वेव, क्योंकि हम लोग जो ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं वेव का, वो कौन सा ऑसिलेशन है? ये SHM है, बेसिकली ध्यान में रखना, वो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जनरली, हम लोग जो वेव्स हम लोग देखने वाले, जो अपने वेव का टॉपिक है, उसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द वेव्स, 99% ऑफ द वेव्स आर सिंपल हार्मोनिक वेव्स। मतलब पार्टिकल क्या कर रहा होगा, SHM कर रहा होगा। अब उसका इक्वेशन क्या है गाइस, इक्वेशन क्या है? अब मुझे एक बात बताओ गाइस, जब मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, सुनो, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल वन, यहाँ का जो पार्टिकल है इसका इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, तो मुझे बताओ इसका एम्पलीट्यूड सपोज ए होगा। देखो सिंपल ना यार, जिसका जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना ही एम्पलीट्यूड होगा, मैंने बोला ना एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा, क्योंकि मीडियम में एम्पलीट्यूड अपना डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगा, ऐसा पकड़ लो। तो अब मुझे बताओ, अब ये जो पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड ए है, जो अपना सोर्स है, जो मस्त अपना घूम रहा है, ठीक है? तो मुझे बताओ, मैंने बोला कि इसका इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इसका इक्वेशन होगा ना गाइस? भाई y is equal to a sin omega t इक्वेशन होगा भाई, SHM का इक्वेशन तो याद है कि नहीं है तुमको? हाँ, इसके अंदर एक फेज डिफरेंस, जब प्लस y नॉट इनिशियल फेज भी डाल सकते हैं हम लोग, वो बाद में डालेंगे। पहले तो मुझे तो इतना समझ में आ रहा है क्या ये वाला इक्वेशन इसका? लेकिन मैंने बोला क्या ये इक्वेशन ऑफ वेव है? क्या ये इक्वेशन ऑफ वेव है? क्या ये हर एक पार्टिकल का, मुझे बताओ ये किसका इक्वेशन? ये तो पार्टिकल नंबर वन, जो बेसिकली जो ओरिजिन पे उसी का इक्वेशन है। मैंने बोला एक कोई पार्टिकल है जो डिस्टेंस एक्स पे है, सब लोग सुनो ध्यान से, कोई एक पार्टिकल है जो डिस्टेंस एक्स पे, यहां का पार्टिकल, मुझे बोला कि ये इधर के पार्टिकल का इक्वेशन बताओ, इधर के पार्टिकल का इक्वेशन बताओ, ये जो पार्टिकल जो ग्रीन में मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इस पार्टिकल का जो एक्स डिस्टेंस पे, उसका इक्वेशन बताओ। तो ये बता ही नहीं पाएगा। तो इक्वेशन ऑफ वेव क्या होना चाहिए? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वेव? इक्वेशन ऑफ वेव होना चाहिए कि वो कोई भी एक्स डिस्टेंस पे, जितने भी जो भी पार्टिकल्स है, एक्स की हम लोग वैल्यू डालेंगे तो अपने को इक्वेशन मिलना चाहिए। एक्स की वैल्यू डालेंगे तो अपने को उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं मिल रहा है, राइट? तो अब एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ ये जो पार्टिकल है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो ग्रीन में, ग्रीन वाला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मैंने लिख दिया, मेरा काम हो गया, बट इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है। अब मुझे बताओ इधर ये एक पार्टिकल नंबर वन है, ये पार्टिकल नंबर वन है, ये पार्टिकल नंबर टू है, मुझे बताओ कौन किसके आगे है? वन आगे है, टू पीछे है, टू पीछे है, राइट? टू पीछे है। मैंने बोला वो टू कितना पीछे है, उसका फेज डिफरेंस कितना होगा, कितना पीछे होगा, कितना पीछे है भाई? फेज डिफरेंस अभी तो देखा था अपन ने, इन दोनों के अंदर का जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई कितना होता है, वो के इंटू एक्स होता है, देखा तो था अपन ने भाई, के इंटू एक्स या ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी। वो वापस डेरिवेशन क्यों कर रहे हो भाई, डेरिवेशन क्यों कर रहे हो तुम? टाइम पीरियड निकालोगे, वापस एक्स बाई वी करोगे, मतलब इसका डेरिवेशन करने के लिए कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं, ओमेगा टी मतलब क्या, कौन सा टाइम भाई, कौन सा टाइम? टाइम पीरियड अपने को निकालना पड़ेगा ना एक्स बाई वी से, तो ओमेगा इंटू एक्स बाई वी करोगे बेसिकली, तो किया ही है ना अपन ने, के एक्स तो किया है ना। तो मुझे बताओ पार्टिकल टू का इक्वेशन क्या होगा? के एक्स पीछे है फेस से, मतलब मैं एक्चुअली एक सर्कुलर मोशन ऐसे ड्रॉ करूं भाई, जैसे मैं एक सर्कुलर मोशन वाला चीज ऐसे ड्रॉ करूं और फेस ड्रॉ करूं, तो ये पार्टिकल नंबर वन होगा, तो पार्टिकल नंबर टू जो पीछे होगा वो कितना पीछे है? तो के एक्स पीछे, समझ में आ रहा है? ये डेल्टा फाई है, ये फेस डिफरेंस है, समझ में आ रहा है वन और टू के अंदर का? तो अब इसका ओमेगा टी होगा, तो इस पार्टिकल नंबर टू का क्या होने वाला है? ओमेगा टी माइनस के एक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गाइस मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सपोज इसका ओमेगा टी होगा, ठीक है, ऐसा पकड़ लेते हैं, ये मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये पार्टिकल वन, ये ओमेगा टी होगा, तो मुझे बताओ ये के एक्स उसके पीछे है, तो क्या होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे ध्यान में रखना, इस पार्टिकल का जो पार्टिकल नंबर टू का जो इक्वेशन होगा वो होगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स,
कोई दिक्कत है कि नहीं है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है? फिर kx इज द फेज डिफरेंस ना बिटवीन वन एंड टू. मैंने बोला पार्टिकल वन का ये इक्वेशन है तो पार्टिकल टू का इक्वेशन ये होगा, और वही मेरा जनरलाइज इक्वेशन है वेव का. इसलिए कोई भी वेव का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है क्यू होता है. समझ में आया ये क्यू? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता. आपको समझ में आ रहा है कि क्यू होता है ये वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के. यहां पे मुझे बताओ वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है? यहां पे मुझे बताओ वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है? अलोंग व्हाट? अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो ये होता है वेव जब ट्रेवल करती है, व्हाट वेव अलोंग अलोंग व्हाट? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अब मुझे तो वेव निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही होगी, निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो कौन आगे होगा बताओ मुझे भाई? वेव ऐसे उल्टी जा रही फ्रॉम टू टू वन, तो टू आगे होगा वन पीछे होगा. तो यहां पे मुझे होता ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस की जगह क्या आएगा यहाँ पे? माइनस की जगह क्या आएगा यहाँ पे? प्लस आएगा. सिंपल, समझ में आ रहा है वेव इक्वेशन? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ता हूं, मैं आगे करता हूं, मैं लिखने को देता हूं, टेंशन मत लो. यहां पे देखो, यहां पे देखो, मैंने एक ऐसे वेव ली, ठीक है. अब यहां पे देखो वेव जा रही है ऐसे, वेव ऐसे जा रही है, तो इस वेव का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. वॉट इज ओमेगा? यहाँ पे सारे टर्म्स बोलो. यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं? टू पाई अपॉन टाइम पीरियड. के को हम लोग क्या लिखते हैं? टू पाई अपॉन लैम्बडा, सब पता है ना. एंड के इज कॉल्ड वेव नंबर, समझ में, कोई भी टाइम पे. अब मुझे बताओ यही वेव, यही वेव देखो मैं यहाँ पे वेव ड्रॉ कर रहा हूं, यही वेव ऐसे ही जा रही होगी, तो मुझे बताओ इसका इक्वेशन क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के. कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? नो दिक्कत सर. ठीक है, अब यहां पे मुझे बताओ ये जो हो गया बेसिकली वेव का इक्वेशन, अब इसमें मैं एक और चीज कर लेता हूं, है मेरे पास. ठीक है, अब यहां पे देखो एक चीज और होती है. इस केस में यहां पे एक एजम्पशन मैंने किया है. क्या एजम्पशन किया है? एजम्पशन मैंने किया है. ये एजम्पशन क्या है गाइस? फेज डिफरेंस वेरी स्मॉल. नहीं देख, जब ये पार्टिकल नंबर वन था, जब ये वेव बन रही थी, मैं अभी वेव ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ये वेव ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे. ठीक है, जब वेव बन रही थी, जो पार्टिकल वन को मैंने कहां से माना? टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल को मैंने कहां पे माना है? मीन पोजिशन पे माना है. मतलब ये पार्टिकल टाइम टी इक्वल जीरो पे यहां पे था, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर ऐसे जाते आते हैं, राइट. तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट पे पार्टिकल को मीन पोजिशन पे माना था, तब वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी था. बट ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, पार्टिकल इनिशियली मीन पोजिशन पे है ही नहीं, वो कोई और जगह से चालू कर रहा है, एक्सट्रीम से चालू कर रहा है. ऐसे भी तो हो सकता है पार्टिकल एक्सट्रीम पे है. मैंने टाइम टी इक्वल जीरो पे पहले स्ट्रिंग को ऐसा ऊपर जाके ऐसा रखा हुआ है और फिर यहां से चालू कर रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा इस ओमेगा टी के बजे, ये यहाँ पे क्या आएगा? इसका मतलब प्लस की मीन पोजिशन. हाँ बस प्लस फाइव नॉट, बिल्कुल बिल्कुल. तो यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वो वहां पे नहीं रहेगा, किधर और रहेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस फाइव नॉट आएगा. एंड दिस फाइव नॉट इज नथिंग बट वॉट? इनिशियल फेज, इनिशियल फेज. तो मुझे बताओ जो मेरे वेव के इक्वेशन थे, इस इक्वेशन में सिंपल सी बात है, क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, माइनस के एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा? फाइव नॉट. एंड फाइव नॉट इज नथिंग बट वॉट? इनिशियल फेज. और माइनस की जगह प्लस कब आता है? माइनस की जगह यहाँ पे प्लस कब आएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स. ये कब होगा? जब वेव निगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही होगी, वेव ट्रेवलिंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस. प्लस कब होगा और माइनस कब होगा? वेन इट इज ट्रेवलिंग अलोंग, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यही तो बताया मैंने. और ये माइनस क्यों हुआ? माइनस क्यों हुआ? सही से माइनस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस था. क्योंकि कौन सा फेज पहले, कौन सा फेज? जो पार्टिकल जो टू है, जो ऊपर और नीचे जा रहा है, पार्टिकल टू क्या कर रहा है? फेज में पीछे है. और फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस कितना है इन पार्टिकल में, दोनों में, इन दोनों के अंदर का जो पार्टिकल नंबर वन एंड पार्टिकल नंबर टू, इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना है? kx. तो kx पीछे है ना, तो पार्टिकल नंबर टू का इक्वेशन ही आएगा. समझ में आ रहा है तुमको? तो बस ए साइन ओमेगा टी माइनस kx. चलो इतना लिख दो, इसको इसको लिख दो. सर ये इक्वेशन हमें किसी भी पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट देगा, राइट? यस,
भाई मुझे तो मीडियम पार्टिकल कैसे जा रहा है? हाँ सर y-axis के अलोंग ही जा रहा है ना, तो मुझे होता है ये जो इक्वेशन है वो कोई है, सारे जो मीडियम पार्टिकल है मतलब जो स्ट्रिंग के अंदर के जो पार्टिकल, स्ट्रिंग का कौन सा कोऑर्डिनेट देगा y, क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स है मतलब जो भी x पे, एक पर्टिकुलर x पे जो भी पॉइंट है वो अलोंग y एक्सिस घूम रहा है ना ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है, उसका इक्वेशन देगा। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना, वीडियो को वापस देख लेना आज रात को, रात तक तो ये अपलोड हो जाएगा, देख लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अलोंग नेगेटिव एक्सिस से क्या पॉजिटिव एक्सिस में मूव करना है, जनरली नेगेटिव एक्सिस के सॉरी जनरली अलोंग पॉजिटिव एक्सिस हम लोग मूव करवाते वेव को, ठीक है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो उसका। पहले मुझे तो वेव इक्वेशन समझ में आया, चलो इसको लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद हम लोग मतलब वेव इक्वेशन के बाद और मुझे दो इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करनी है, दो इक्वेशन मुझे और डिराइव करनी है गाइस। देखो वेव इक्वेशन समझना ही लोगों का थोड़ा सा, देखिए ओमेगा टी के एक्स वी एक्स समझना ही लोगों का, ये लोग क्या होते हैं ना बोर्ड्स वाले लोग एकदम रट लेते हैं इस चीज को, ठीक है। अभी आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, समझ लिया ना आपने, मतलब ये सब कुछ काम में आने वाला, साउंड वेव में भी यही काम में आएगा, वेव ऑप्टिक्स में भी यही काम में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड घूमता रहता है, लेकिन जब आप इक्वेशन लिखोगे तो यही सब इक्वेशन आपको दिखेगा, समझे सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर हाँ बोलो, आपके एनिमेशन का एक और अच्छा काम हो गया। किसका काम हो गया? एनिमेशन का। एनिमेशन का, मेरी रोती हुई बहन शांत हो गई देख देख के। अच्छी बात है भाई, लेकिन एनिमेशन अच्छे लग रहे हैं ना आप लोग को भी थोड़े? यस मुझे 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 भी अच्छे लग रहे थे। मैं हीट में भी एनिमेशन डालने वाला हूँ, वेव्स में भी, मैकेनिक्स में नहीं डाले, धीरे 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 ये अच्छा है एक्चुअली, ऑनलाइन में एनिमेशन बहुत अच्छे काम करेंगे। रिवीजन करेंगे तो अपन रिवीजन नॉर्मली बोर्ड पे करेंगे तो वो अपना कंसेप्चुअली और न्यूमेरिकली जाएगा, इसमें आप एटलीस्ट तो ऑफलाइन होगा ना। हाँ वो तो ऑफलाइन होगा राइट? हाँ वो तो ऑफलाइन होगा ना, मतलब ऑफलाइन का और ही मजा है सर। नहीं देखो वही ना, लेकिन कोर्स अपना ऑनलाइन आगे बढ़ेगा, रिवीजन अपना ऑफलाइन होगा, तो मजा ही आएगा वैसे भी, तो अच्छा ही हुआ इंजन इन शॉर्ट कुछ। चलो ये समझ में आ रहा है। जेई कैसा गया? किसका? सीनियर जो हमारे से एक साल आगे। हाँ, अच्छा 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 गया, अच्छा गया। फर्स्ट अटेम्प्ट था ना लोगों का, अभी बहुत सारे अटेम्प्ट है तो उनको अच्छा ही मतलब करेंगे वो लोग। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े गाइस। सर एक डाउट है सर, ये फेज डिफरेंस किसके हिसाब से, किसके लाइक रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, लाइक कोई भी पार्टिकल? क्या कोई भी दो पार्टिकल? भाई फेज डिफरेंस दोनों कोई भी दो पार्टिकल में होगा ही ना, kx ही तो होगा, लेकिन मैंने रेफरेंस क्या लिया, रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, जो अपना सोर्स है, सोर्स पॉइंट नंबर वन जो है, जो टाइम t इक्वल टू जीरो पे, इसका इक्वेशन ये लिया तो उसके हिसाब से बाकी लोग का इक्वेशन नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि जनरल इक्वेशन कोई भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा। हाँ, तो जनरल इक्वेशन में लिखा ना ये साइन ओमेगा टी, कोई एक पॉइंट का इक्वेशन लिखा जो टाइम टी जो एक्स इक्वल टू जीरो पे था, उसका इक्वेशन ये होगा, तो बाकी लोग का क्या होगा, एक्स पे इतना होगा, समझे? ओके टू पार्टिकल भाई, थर्ड पार्टिकल भाई, एक्स बदलेगा ना, एक्स यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डालते जाओ तो सारे हिस्सा मिल जाएगा तुमको भाई। मैंने इन जनरल एक्स डाला है नहीं भाई, एक्स का सपोज तुम लोग को एक्स वन डालो, एक्स टू डालो, एक्स थ्री डालो, एक्स फोर डालो, एक्स की जगह एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, मतलब इन जनरल इक्वेशन मिल गया ना, मुझे इक्वेशन ऑफ वेव मिल गया, ठीक है। तो एक काम करते चलो गाइस, ये हो गया आपका, ये लिख के हो गया आपका? यस सर।
ये भी चीज एक बार जस्ट लिख के रखो, बस इसमें ध्यान में रखना, इसमें एक चीज आपको सिर्फ ऐड करनी है, यहाँ पे एक प्लस फाइनॉट टर्म ऐड किया जाएगा। एंड व्हाट इज दिस फाइनॉट टर्म, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब जो x इज इक्वल टू जीरो था ना, सपोज x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल फेज भी तो हो सकता है कहीं पे, वो पार्टिकल मीन पोजीशन स्टार्ट नहीं कर रहा, कोई और जगह स्टार्ट कर रहा होगा। मीन x इक्वल टू जीरो ये वाला चीज है, ये कंडीशन है, वहां से इक्वेशन बनता है अपना। ठीक है, तो गाइज एक काम करते, टाइम कितना हुआ अपना? 7:50 हुआ है ना, 8 बजे मिलते अपन। yes. 7:50 to 8 गाइज ध्यान में रखना, अभी तक मेरा खत्म नहीं हुआ है, मेरे को इक्वेशन और बनाने हैं। ठीक है, और बहुत बेसिकली मुझे 2 या 3 इक्वेशन और डिराइव करने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है गाइज, इसी के ऊपर के। हाँ बोलो। तो वो इनिशियल फेज जिस स्लाइड पे एक्सप्लेन किया था वो रखोगे प्लीज ब्रेक में? ये वाला? यस सर, थैंक यू। ये पॉइंट नंबर 1 का ये है, तो ये कोई भी एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 2 का इक्वेशन ये होगा बस। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 का इक्वेशन, ये पॉइंट नंबर 2 का इक्वेशन। ठीक है, मिलते हैं अपन 8 बजे।
गाइस को आवाज आ रहा है अभी प्रॉपर? यस सर यस सर यस सर सब लोग यस सर सब लोग यस सर रेडी है ना सब लोग? हां चलो चलो यस सर सब लोग है. कैंसल झालेले एडवांस होंगे वो होगा अभी, मतलब वो कैंसल नहीं वो उसी दिन होगा, अभी चलता रहेगा अभी. ठीक है सिलसिला चलो. तो एक मिनट पहले काम करता हूँ, उसको रख देता हूँ. सो गाइज अब तक हम लोग ने क्या सीखा है? ठीक है, हम लोग ने क्या क्या सीखा है? जो इक्वेशन हम लोग ने सीखा है, मैं दो इक्वेशन जो अपने सीखी वो यहाँ पे लिख देता हूं मैं. कोई भी वेव, ठीक है, कोई भी वेव जब ट्रेवल करती है, ऐसे 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 वेव अपनी ट्रेवल करिए, वेव का स्पीड वी होता है. आपको एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो पार्टिकल्स है, देखो इस पर्टिकुलर टाइम में मैंने जो जिस टाइम पे इसका देखो वेव जा रही होगी, मैंने एक फोटो खींच लिया. अब जो फोटो है फोटो में ये आया, इसका मतलब क्या? इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो सारे पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है, ये सारे पार्टिकल्स की एक्चुअल पोजीशन है, समझ रहे हो ना? मतलब ये जो होगा टाइम t इज इक्वल टू जीरो, जो मैंने रेड में ड्रॉ किया है, टाइम t इक्वल टू जीरो में स्ट्रिंग ऐसे थी, स्ट्रिंग वेव की बात करें तो स्ट्रिंग ऐसे थी, लेकिन जो टाइम में मैंने क्लिक किया फोटो उस टाइम पे ये वाला पार्टिकल एक्चुअल में इधर था क्या? नहीं, ये इधर था, समझ में आ रहा है? ये वाला पार्टिकल इधर नहीं इधर था, ये वाला पार्टिकल इधर नहीं इधर था. उस पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन है और वो पोजीशन को हम लोग बोलते हैं सपोज वाई. तो इस इक्वेशन, और ये सपोज मैंने एक्स इक्वल टू जीरो किया, तो डिस्टेंस एक्स पे जो पार्टिकल था उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इक्वेशन हमने यहां पे लिखा, वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के. समझ में आ रहा है तुमको? मैंने अभी तक प्लस फाइन आउट नहीं लिखा, लेकिन मैं फाइन आउट को भी एट जीरो मानता हूं, इनिशियल फेज इज जीरो. समझ में आया? समझ में व्हाट इज वेव इक्वेशन? समझ में आया? तो वाई शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड टोटल पूरा का पूरा साइन के अंदर ही आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर ही ऐसे आना चाहिए. तो ये होता है वेव इक्वेशन, ये होता है वेव इक्वेशन. इतना मैंने पढ़ाया था आपको. कोई दिक्कत है क्या वेव इक्वेशन में? नो सर. तक ठीक है. और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स से प्लस कब आएगा? जब जो वेव है इधर नहीं इधर जा रही होगी. सिंपल ये हो गया. अब एक सिंपल चीज, मैंने पहले वाला इक्वेशन आपको डिराइव करवाया था जो था v इज इक्वल टू या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम दोनों ये भी लिख सकते हैं या फिर ये वाला टर्म जो भी है, चलो ये तीन तीन टर्म सेम ही है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा था, राइट, v अपॉन लैम्बडा था फ्रीक्वेंसी. तो गाइज ये एक इक्वेशन भी था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा, और v इज इक्वल टू, जिसको याद रखना है तो लैम्बडा अपॉन t भी याद रख सकते हैं, जो मैंने डिराइव करवाया था. इधर ये याद रखो, नहीं तो ये याद रखो, सेम ही चीज थी, राइट. फिर उसके बाद अपन एक वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, व्हाट इज वेव नंबर? 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ये अपन ने याद रखवाया था. फिर अपन ने और एक चीज डिराइव की थी, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू क्या? पाथ डिफरेंस. देन 2 पाई बाय लैम्बडा इज नथिंग बट के, और इसको हम लोग ओमेगा बाय वी भी लिखते हैं, ठीक है. तो मैंने k को, k के दो टर्म्स थे, k इज इक्वल टू क्या था? ओमेगा बाय v, हम लोग ऐसे याद करो, ओमेगा बाय v या फिर 2 पाई बाय लैम्बडा ऐसा याद करो, एंड k इज कॉल्ड वेव नंबर. बराबर, इतना ही तो किया था अपन ने, और क्या किया अब तक? तो इतना ही किया हुआ है. अब वेव को और अलग अलग इक्वेशन में भी लिखा जाता है, जरा टाइप्स ऑफ इक्वेशन जिसमें हम लोग लिख सकते हैं. देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू हम a साइन ऑफ, अब ओमेगा को मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा को मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई अपॉन t लिख सकता हूँ, 2 पाई अपॉन t, तो 2 पाई t, ठीक है, अपॉन टी, ऐसा भी हो सकता है. यहाँ पे के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू पाई अपॉन क्या, लैम्बडा इंटू एक्स लिख सकता हूं मैं, टू पाई को कॉमन निकालो. देखो ये सब वेव को अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो भाई मैथमेटिक्स ही है अभी, इसमें तो कुछ अलग में कुछ हाईफाई कुछ चीज नहीं कर रहा हूं, ठीक है. ये टी बाय टी माइनस टू पाई ये निकाल दो, एक्स बाय लैम्बडा ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये अलग अलग टाइप के वेव फॉर्म, मतलब इक्वेशन नंबर वन, वेव को इस इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. वेव को माइनस के जगह प्लस, तो तुमको पता ही है कब आएगा, मतलब यहाँ पे आइदर माइनस लिखो नहीं तो प्लस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अब इसके बाद और एक फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिर्फ ये एक तीसरा फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है. यहाँ पे देखो ये तीसरा फॉर्म में यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू, ये ग्रीन में नहीं लिखता मैं, सॉरी कोई दूसरे कलर में लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू
ठीक है, ए साइन ऑफ, ठीक है, ये ओमेगा टी है माइनस प्लस जो भी, के की के के जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई वी भी तो लिख सकते हैं, ओमेगा बाई वी इंटू एक्स। अब ओमेगा को कॉमन निकालो, ओमेगा कॉमन निकालो तो मेरा एक तीसरा फॉर्म का इक्वेशन आएगा यहाँ पे, मैं तीसरा फॉर्म का इक्वेशन भी लिखता हूँ, वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा को कॉमन निकाल दो तो क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। समझ में आ रहा है, ऐसा भी तो एक फॉर्म आएगा जो इसको इक्वेशन नंबर थ्री लिख सकते हैं। तो अलग अलग इक्वेशन हो गए, एक ही इक्वेशन याद रखो यार, तुम लोग एक ही इक्वेशन याद रखो, ऊपर वाला y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x, बाकी तो अपना थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ, k के जगह 2 पाई बाय लैम्बडा डालो कभी, k ओमेगा के 2 पाई बाय t डालो कभी, k के जगह ओमेगा बाय v डालो और फटाफट लिख सकते हो, इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे करवा के रखा, ठीक है। जो अब तक मैंने पढ़ा इतना पढ़ा, डिविजन हो गया इतना पढ़ने का, ये जो जो भी मैंने पढ़ा है अब तक, लिखो चाहिए तो फटाफट लिख दो इसको, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है लिख दो यहाँ पे। गाइज आगे बढ़े, अभी आगे बढ़े, ठीक है ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने हेडिंग क्या डाला है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। मुझे बताओ यहाँ पे जो मीडियम पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक वेव जो अपन बात कर रहे हैं, सिंपल देखो यहाँ पे वेव ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे देखो मीडियम पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है गाइस, मीडियम पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा है येलो वाला, क्या कर रहा है वो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, तो मीडियम पार्टिकल तो ऊपर नीचे ही जाएगा और वेव इस तरीके से जाएगी। तो मुझे बताओ वेव का स्पीड जो होता है वी और जो पार्टिकल का स्पीड होता है उसमें फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा गाइस, जो पार्टिकल है मीडियम पार्टिकल वो तो अपने जगह पे सिर्फ एसएचएम कर रहा है और वेव, तो वेव का स्पीड अलग होता है और पार्टिकल का स्पीड अलग होता है, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, वेव का स्पीड अलग होता है और पार्टिकल का स्पीड होता है। देखो पार्टिकल का स्पीड और, अब मुझे बताओ जो मीडियम पार्टिकल का जो स्पीड एंड एक्सेलरेशन जो यहाँ पे लिखा है मैंने, पार्टिकल का स्पीड मतलब जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी या स्पीड और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये दोनों जो चीज होते हैं पी लिखता हूं मैं, ये दोनों बेसिकली एसएचएम वाला चीज है ना यार, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चीज है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चीज है, क्योंकि पार्टिकल तो भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करने वाला है, समझ में आ रहा है, तो ध्यान में रखना वो पार्टिकल का स्पीड और वेव का स्पीड है दोनों अलग अलग है। वेव का स्पीड क्या होता है वो तो अपने देखा भी था, लैम्बडा अपॉन टी होता है, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। कोई दिक्कत है क्या, अब वो कितना होगा, वो कितना होगा गाइस, अब ये पार्ट पढ़ाने के पहले ना मुझे छोटा सा आपको एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा चीज है, और एक चीज बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। नाउ व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव, एक कंसेप्ट आता है ये पार्शियल डेरिवेटिव, एक्चुअली मैथ्स में पढ़ाया जाएगा आपको, व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव, बता व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव नाम की चीज क्या होती है पता है, जब मैंने इक्वेशन लिखा था वेव का इक्वेशन लिखता हूं मैं, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस केक्स, मुझे एक बात बताओ यहाँ पे y किस किस का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ कितने वेरिएबल्स, यहाँ पे टाइम भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है भाई, टाइम भी एक वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे दो दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अब मैं क्या करूंगा देखो, ध्यान में रखना, व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या, दोनों दो अलग अलग वेरिएबल्स है यहाँ पे, जब मैं ऐसा लिखता हूँ ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मुझे था y इज अ फंक्शन ऑफ x, x का ही x इज वेरिएबल, जब मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू लेट्स से t क्यूब, y इज अ फंक्शन ऑफ t, बट व्हेन y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t बोथ, लेट्स से x स्क्वायर इनटू t क्यूब, तब क्या होता है पता है, यहाँ पे मैं जब इसको मैं डेरिवेटिव बोलता हूँ dy by dx बोल लेता हूँ, व्हाट इज dy by dx इज 2x, इसमें मैं dy by dt करूंगा तो क्या आएगा 3t स्क्वायर, बट यहाँ पे जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट, ऐसा पकड़ ले
कि x को कांस्टेंट रखा मैंने, मतलब मैंने x को कांस्टेंट रखा, कीपिंग x एज कांस्टेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर x पे डेरिवेटिव टाइम क्या होगा, तो मैंने इसको d नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसा ऐसा वाला सिंबल यूज करूंगा, दो इस टाइप का सिंबल यूज करूंगा, मैथमेटिकल चीज बता रहा हूं मैं, इसको हम लोग बोलते हैं डो वाई बाई डो टी, इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, डो वाई बाई डो टी, देखो ये डी वाला सिंबल नहीं है, इट इज नॉट डी वाई बाई डी टी, समझ में आ रहा है, इट इज नॉट डी वाई बाई डी टी, मैं क्या लिख रहा हूं उसको, इसका मतलब क्या, कीपिंग x एज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे जो कीपिंग x एज कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर, x को टर्म को ऐसी के ऐसी रखने का, और यहाँ पे थ्री टी स्क्वायर आ जाएगा, किसी ने बोला कीपिंग t एज कॉन्स्टेंट, तो क्या आएगा, डो वाई बाई डो एक्स हो जाएगा, इस चीज को सपोज मुझे को डो वाई बाई डो एक्स का मतलब क्या है, t को कॉन्स्टेंट रखा मैंने, t को ऐसी रखो डेरिवेटिव ऑफ x, समझ में आ रहा है क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ चीज? यस सर। सर ये डेरिवेटिव पार्ट वाला बताओ ना, एक बार वापस बता रहा हूँ, राम सीता वाली कहानी मत करो यार, तुम अच्छे से पढ़ो, जब एक ही बार पढ़ा रहा हो तो एक अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सुनो, ठीक है, ये वाई, जब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी इसको लेके करता हूँ, ठीक है, अब मुझे तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, टाइम t के ऊपर, x के ऊपर, तो अब मैं इसको डेरिवेटिव t के साथ भी ले सकता हूं, अब मैं जब डेरिवेटिव t के साथ लूंगा, बट मैं क्या करूंगा, x को कांस्टेंट, देखो x भी तो वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव करने गए तो मुझे u, देखो यहां पे एक बात बताओ मुझे, एक सब लोग यहां पे देखो, चलो वापस बोल रहा हूं मैं, यहां पे देखो y is equal to x square t cube, अब मुझे होता किसी ने मुझे डेरिवेटिव लेने को बोला, मुझे बोला कि भाई dy / dx लो, तो dy / dx एक्चुअल में क्या होगा बताओ, dy / dx एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे ये u टर्म हो जाएगा, ये v टर्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, uv रूल बनेगा ना यहाँ पे, तो फिर ये आएगा ये 2x स्क्वायर t क्यूब ऐसा का ऐसा, प्लस t क्यूब का डेरिवेटिव क्या 3t स्क्वायर dt / dx ऐसा आएगा, और फिर x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, एक्चुअली ऐसा डेरिवेटिव आना चाहिए गाइस, डेरिवेटिव ऐसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यस सर, बट मैं जब यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ डो वाई बाई डो एक्स, इसका मतलब होता है कीपिंग टी कांस्टेंट, कीपिंग टी कांस्टेंट, टी को कांस्टेंट मानता हूं, मतलब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव करा, देखो मैंने इस टर्म को कांस्टेंट माना है, तो कीपिंग टी कांस्टेंट मतलब उस टाइम को मैंने कांस्टेंट, मैंने क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव जो आएगा यहाँ पे डायरेक्टली 2x into t क्यूब वैसा का वैसा रहेगा, ये मेरा आंसर है, समझ में आ रहा है अभी तो, समझ में है क्या फर्क है, यस सर। सर में आपने 2x स्क्वायर क्यों लिखा है, 2x आएगा ना, और 2x सॉरी, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज, अभी अभी समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रहे हो, यस सर, यस सर, यस सर, हां चलो अब आगे देखते, आगे सर, हां सर यही पार्शियल डेरिवेटिव ग्रेविटेशन में भी आता है ना, पोटेंशियल निकालने के लिए, हां राइट राइट, सब जगह पे आता है, बहुत सारी जगह पे आएगा वो, सर हां बोलो sir, so we can see the derivative of like say dy by dx can be equal to do y by do x plus do y by do t, kya bol rahe I'm not sure but like according nee, to wo apna rule mat banao, wo apna rule baad mein lecture ke baad banao, okay okay theek hai, abhi yahan pe mujhe hota itna samajh mein aaya tumko, so can we write this, nahi nahi wo write mat karo, ab aage karenge wo, mai ye aapko sab समझाने के लिए कर रहा था मैं, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए वेलोसिटी एक्सप्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल, अब ये जो मीडियम पार्टिकल और जो है ना ये जो पार्टिकल घूम रहा है उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, अब कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा, ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ वेलोसिटी ऑफ द मीडियम पार्टिकल, ठीक है, ये था वेलोसिटी वीपी, इसको बोलते हम लोग वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल, ठीक है, अब क्या होगा, देखो मीडियम पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे आएगा, पहले मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ वेव क्या है, इक्वेशन ऑफ वेव इज व्हाट, वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, सब लोग सुनो ध्यान से सुनो, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, चलो एक बार अब मुझे बताओ यहां पे कोई भी इंस्टेंट पे, भाई वेव होगी, ये वेव है, मैंने बोला कि कोई भी एक इंस्टेंट, सपोज एक्स डिस्टेंस पे ये जो पार्टिकल है जो यहाँ पे लिख रहा है पार्टिकल, मेरे को जो दिख रहा है ये पार्टिकल, जो पार्टिकल क्या है ऊपर नीचे ऐसे जाते रहेगा, ये पार्टिकल का, इस पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, इस पार्टिकल का स्पीड कितना है उस पर्टिकुलर, तो मैंने क्या किया पर्टिकुलर एक्स बोला ना मैंने,
सम पर्टिकुलर एक्स पे जो पार्टिकल होगा उसका स्पीड कितना होगा। तो मुझे बताओ पार्टिकल का स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डी वाई बाई डी टी करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी नहीं करूंगा, डो वाई बाई डो टी करूंगा, क्यू सम पर्टिकुलर एट सम पर्टिकुलर एक्स। तो यहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट रखा मैंने, तो आंसर क्या आया फिर, साइन का डेरिवेटिव कॉस। किसी का तो भाई माइक बंद कर लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ए साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, तो यहाँ पे ओमेगा इधर आ जाएगा, तो ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान में रखना एक्स को कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पार्ट कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो आया है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया, समझ में आ रहा है। मतलब मुझे एक बात बताओ हम लोग किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एसएचएम ही तो है इक्वेशन, एसएचएम का इक्वेशन का डेरिवेटिव तो कर रहे हैं अपन, यस सर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको जुगाड़ लगाओगे, थोड़ा सा इसको जुगाड़ लगाओगे, दैट पर्टिकुलर एक्स को आप वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी डिराइव करोगे बाय एसएचएम का, तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी एसएचएम का ये भी आ जाएगा। आप याद करो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, याद है कि नहीं है चीज, मतलब सम पर्टिकुलर डिस्टेंस y पे ये एसएचएम का अपना स्पीड था ना, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये dy by dt तो हो गया, अब एक काम करते हैं, ये तो मेरा हो गया, अब मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ, कोई दूसरे कलर में लिखता हूँ इसको हम लोग कीपिंग t कांस्टेंट। अब इसको मैं लिखता हूँ ये वाला डो वाई बाई डो एक्स करता हूँ, एक काम करता हूँ इधर नहीं करता हूँ, कोई इस तरफ कर लेता हूँ, उस तरफ थोड़ा सा, ठीक है, मैं इधर करता हूँ। इसी इक्वेशन को मैंने डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वॉट, कीपिंग वॉट टी एज कॉन्स्टेंट। अब मैथमेटिकल है सब चीज, ये मैथमेटिकल चीज है, सिर्फ देखते जाओ मैथमेटिकल चीज है। डो वाई बाई डो एक्स करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कॉस, और यहाँ पे माइनस क्या आएगा, तो यहाँ पे ऐसा लिखूंगे माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। भाई तुम सिर्फ मैथमेटिकली पढ़ो, मैथमेटिकली आपको समझ में आ रहा है क्या दोनों इक्वेशन, यस सर, मैथमेटिकली कोई दिक्कत है क्या, मैंने बोला इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू। चलो एक काम करो, दोनों इक्वेशन को ना डिवाइड करो, कॉस कॉस टर्म कैंसल हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को डिराइव करते डिवाइड करते, डिवाइड बोथ द इक्वेशन, डिवाइड वन बाई टू इक्वेशन नंबर वन एंड टू, ऐसा कर लो, ठीक है, लिखा है मैं वापस इसको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन एंड टू बाई डिवाइड इक्वेशन नंबर वन एंड टू, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वीपी, ठीक है, डिवाइड बाय ये चीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप लिखते हैं ए ओमेगा कॉस ऑफ, समझने के लिए लिख रहा हूं मैं स्टेप्स, डिवाइड बाय अपन क्या करेंगे माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के, ये कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा ए कैंसल, आंसर क्या आएगा बचेगा यहाँ पे माइनस ओमेगा बाय के, हाँ तो माइनस ओमेगा बाय के। नाउ व्हाट इज के, के को हम लोग ओमेगा बाय वी लिख सकते हैं, याद है कि नहीं है, इट इज ओमेगा बाय वी होता है, एंड वी इज व्हाट, वी स्पीड ऑफ वेव, इट इज स्पीड ऑफ द वेव, एंड ये क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ओमेगा ओमेगा कैंसल, तो माइनस वी आ गया ना, माइनस वी आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे यहां से क्या मिल गया, तो इस केस में मुझे यहाँ पे फाइनली क्या मिल गया, माइनस वी मिल गया। तो मुझे यहां से इस इक्वेशन से देखो, जो ग्रीन में मैं लिख रहा हूं, यहां से देखो मुझे क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय डो वाई बाय डो एक्स इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, माइनस वी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, माइनस वी इंटू डो वाई बाय डो एक्स। कुछ चीज समझ में आ रही है जो मैंने लिखा है ग्रीन में, यस सर, ये मेरा डेरिवेशन हो गया है, आपको याद ये रखना है, लास्ट में जो मैंने बॉक्स में बनाया वो याद रखना है, जो मैंने बॉक्स में बनाया वो याद रखना है, समझ में आ रहा है, लिखो इसको। देखो सुनो, पहले तो एकदम मैथमेटिकली समझो, ज्यादा ना दिमाग मत लगाओ, पहले एक सब लोग सब कुछ भूल जाओ, और बाद में ये चीज को आप वापस एक बार देखोगे। मुझे तो ये इक्वेशन तो y is equal to a sin omega t minus kx, ये इक्वेशन तो समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन तो भाई कुछ नहीं है, बस उसको एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करो, एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, ये तो आएगा, डेरिवेटिव तो आता है भाई, भगवान ने डेरिवेटिव जो पढ़ा है, भगवान ने तो मैं नहीं पढ़ा है, डो वाई बाई डो टी करेंगे, डेरिवेटिव करो
विथ रिस्पेक्ट टू टी करो, एक बार विथ रिस्पेक्ट एक्स करो, दोनों इक्वेशन लिखो, वन एंड टू इक्वेशन तो लिखने आएगा ही, डेरिवेटिव मैथमेटिकली दोनों को डिवाइड करो तुम्हारा ये आएगा, बस दोनों को डिवाइड करो तुम्हारा ये आएगा जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा। तो हेडिंग क्या डालें? हेडिंग ये है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मैंने बोला ना थोड़ा सा अभी मैथमेटिकल जाएगा, तब मैं प्रूफ बता रहा हूँ, ये सारे प्रूफ्स हैं। सर ये जो वेलोसिटी होगी वो उसकी y वेलोसिटी होगी ना, मतलब अलोंग y एक्सिस, तो नेट वेलोसिटी सर उसकी मतलब नेट वेलोसिटी क्यों भाई, भाई पार्टिकल तो ऊपर नीचे ही जाएगा ना, कौन सी नेट वेलोसिटी होगी उसकी, पार्टिकल तो सिर्फ ऊपर नीचे जा रहा है, वो जो कुछ जा रहा है वो एनर्जी जा रही है, जिसका स्पीड v है उसको हम लोग वेव बोलते हैं। हां सर बा तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, मैं बोला ना थोड़ा वेव को फील बाद में करो, अभी जब पढ़ाते हैं ना लेक्चर उसी में फील करने गए ना टाइम लगेगा तुमको, सेल्फ स्टडी करके नाम चीज होती है, वो सेल्फ स्टडी करो बाद में आराम से बैठ के। भाई समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इसको लिखो, मैं फिर बाद में एक बार वापस बताऊंगा, और क्योंकि एक्सेलरेशन पार्टिकल के लिए मुझे वापस सब कुछ करना पड़ेगा, तो मैं एकदम शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा, तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका, तो पहले इसको समझ के लिखो फिर रिवीजन हो जाएगा। सो बोलो सर, पार्शियल डेरिवेटिव जहाँ पे समझाया था वो एक दो, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ ठीक है, पहले ये लिखो फिर दूंगा स्क्रीनशॉट। यस सर, थैंक यू। शॉर्ट हाँ बोलो। So, ये जो डो वाई बाई डो एक्स है, वी कैन, इफ वी नो देन वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द वेव, राइट? सम इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ वेव? नहीं नहीं नहीं, डो वाई बाई डो एक्स नथिंग बट स्लोप ऑफ द वेव। हाँ तो मतलब वो ओ स्लोप है ना, वो डो वाई बाई डो एक्स होता है, स्लोप होता है वाई वर्सेस एक्स का। सो दिस डो वाई बाई डो एक्स इज नथिंग बट व्हाट, व्हाट इज दिस डो वाई बाई डो एक्स? भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, कोई भी पॉइंट कोई भी टाइम पे, मुझे बताओ ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा है, ये इसका मतलब क्या है? कीपिंग व्हाट, कीपिंग व्हाट, कीपिंग टाइम एज अ कांस्टेंट, लाइक कीपिंग टी एज अ कांस्टेंट। मुझे बताओ जो वेव एक उस प्रेजेंटली मैंने जो ड्रॉ किया है वो कोई ना कोई टाइम का एक स्नैपशॉट है, स्क्रीनशॉट है, बराबर ना? यस सर। मुझे बताओ हर टाइम पे क्या वेव ऐसी दिखेगी क्या? वो तो अलग अलग बदलती जाएगी ना। यस। इस पर्टिकुलर टाइम का मैंने क्या किया, एक इस पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट लिया और उस इंस्टेंट का मैं एनालाइज कर रहा हूं, इसलिए कीपिंग टी एज अ कांस्टेंट मतलब क्या, उस पर्टिकुलर टाइम पे कैसे दिखेगा वो ग्राफ, थोड़ा सा जिसको फील करना है उसके लिए बता रहा हूं मैं। सर ओके बोलो। सो व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज कि मतलब ये डो वाई बाय डो एक्स है वो मतलब एक इंस्टेंट पे है ना, तो उस इंस्टेंट पे जो पार्टिकल्स होंगे उनका हम एनर्जी वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? स्लोप पे नहीं, अभी तक एनर्जी विनर्जी कुछ बताया नहीं, स्लोप है वो डो वाई बाय डो एक्स, अब तक तो एनर्जी के ऊपर अंतर घुसे ही नहीं हम लोग। ठीक है गाइस आगे बढ़ू? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पार्शियल डेरिवेटिव का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी समझो जरा समझो। ठीक है डन। हाँ तो अब मुझे बताओ जो मैंने बताया, सुनो अब मैंने एकदम सिंपल, मैं अभी सब इक्वेशंस लिख रहा हूं यहाँ पे, सब लोग देखो, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के x, ये वेव का इक्वेशन है, वेव विच इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस विथ इनिशियल फेज जीरो एट टाइम t इक्वल टू जीरो पे जो पार्टिकल था, x इक्वल टू जीरो पे जो पार्टिकल था, ठीक है ये इक्वेशन है वेव का। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ तो मुझे मिलता है डो वाई बाई डो टी। अब डो वाई बाई डो टी करता हूँ तो एकदम सिंपल, देखो सुनो जो लोग को समझ में नहीं आया वापस देखो यार, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t तो क्या आएगा, के एक्स टर्म को तो अपन वही नहीं करेंगे, सिर्फ इधर आएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के। अब इसको जो जिसको डेरिवेटिव नहीं आ रहा भाई जाके डेरिवेटिव वो कर लो, इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ अभी डो वाई बाई डो एक्स करता हूँ, ठीक है डो वाई बाई डो एक्स, ये कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट है, कीपिंग टी एज कॉन्स्टेंट, ठीक है
तो इसको मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, माइनस ए इंटू के, अभी वही तो किया अपन ने, कॉस ऑफ क्या आ गया, ओमेगा टी माइनस के। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें डेरिवेटिव तो आता ही होगा आपको, इतना डेरिवेटिव, सिंपल वाला डेरिवेटिव। यस सर। ठीक है सर। अब बस इसको और एक बार डेरिवेटिव करो। चलो तो ये एक बार डेरिवेटिव किया था तो इसको मुझे मिल गया था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वीपी मिल गया था, और इसको हम लोग बोलते थे स्लोप, इज अ स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब यहाँ पे मैं एक बार और डेरिवेटिव करता हूँ तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर बनेगा, बराबर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, बराबर ना, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन। एक बार और डेरिवेटिव करो, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक बार और डेरिवेटिव करो तो आएगा ए ओमेगा स्क्वायर ऑफ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन भी डाल दूंगा मैं यहाँ पे, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कोई दिक्कत इसमें? इसको एक बार और डेरिवेटिव करो, अब इसको एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव, अब ऐसे माइनस साइन ऑलरेडी है यहाँ पे, कॉस का डेरिवेटिव एक बार करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ का एक माइनस साइन ऑलरेडी वापस बाहर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए इंटू के स्क्वायर, जो मैंने बोला वो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे माइनस साइन क्यू बचा, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के जब आप लिखोगे तो समझ में आएगा, या इसको आफ्टर ये लेक्चर इसको होमवर्क आपको करना है, जो मैं यहाँ पे डेरिवेशन कर रहा हूँ ये डेरिवेशन आपको करना है खुद को, ट्राई मारो एक बार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इस चीज को, ये जो कभी भी जो चीज होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर, आपको पता है ये कर्वेचर नाम की चीज अपन ने अपने देखा था ना मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते वक्त भी देखा था अपन ने, स्लोप का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, ये स्लोप है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, उसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। कर्वेचर कैसा है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है वो सब चीज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो इक्वेशन नंबर वन एंड टू को, नाउ इफ यू डिवाइड इक्वेशन नंबर वन एंड टू, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू आपको क्या मिला था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू दोनों को डिवाइड करके आपको क्या मिल गया था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या मिल गया था, स्पीड वेलोसिटी ऑफ वेव इन टू क्या, डो वाई बाई डो एक्स, यही तो मिला था पीछे, माइनस साइन था राइट, इन दोनों को ये करके। अब इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर को आप करोगे, इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर को आप डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तब माइनस माइनस सिंबल कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, मैं यहाँ पे दो स्टेप में लिखता हूँ, चाहिए तो दोनों को मैंने डिवाइड किया, साइन साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, अब ओमेगा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, के की जगह ओमेगा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर डालोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा वी स्क्वायर। तो मुझे एक्चुअली इक्वेशन क्या मिला, ये जो इक्वेशन मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या, फ्रॉम थ्री एंड फोर, तो थ्री एंड फोर से मुझे ये इक्वेशन मिला, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, वी स्क्वायर डो वाई स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ये दो इक्वेशन अपने को मिले जो सबसे काम के थे, कहां से मिले, मतलब मुझे क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ वेलोसिटी ऑफ वेव, इन दोनों का अंदर का रिलेशन क्या है, तो ये है, ये दो रिलेशन है, ये डेरिवेशन है गाइस, ये जो मैंने यहां पे अभी आपको लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पे लिखी है, लिखो इसको, नहीं समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है क्या? यस सर। डन सर। चलो इसके बाद मेरे को और पढ़ाना था लेकिन अभी वो 8:30 हो गया तो मैं नहीं एक्सटेंड करूंगा क्योंकि वैसे भी लोग जो है, तो मैंने अभी क्या क्या पढ़ा है उसका छोटा सा क्विकली रिवीजन दूं मैं आपको, ये लिखो पहले, लिखो फटाफट इसको लिख लो, एक क्विकली रिवीजन देता हूं मैं क्या क्या अब तक मैंने पढ़ा है, सारे इक्वेशंस कैसे याद रखने हैं, ठीक है, ये मैं हर बार हर वेव के लेक्चर में ऐसे आपको बताते जाऊंगा जो आपको ऐसे लिख के रखने होते हैं, ठीक है। लास्ट का पार्ट थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है जो मैंने पढ़ा है, उसको थोड़ा सा एक बार वापस रिकॉर्डिंग देख लो चाहिए तो, ठीक है, चलो आगे करें।
अब वेव स्पीड मुझे ये एक्चुअली ये डिराइव करना था, इसके बाद फिर क्वेश्चन चालू होते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेंगे उसको, पहले ये कर लो, अगले लेक्चर में करेंगे। हो गया लिख के गाइस? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब मैं रिवीजन करके वे लेक्चर खत्म कर दूंगा। चलो बताओ मैंने क्या क्या पढ़ाया। मैंने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा है कोई भी वेव जा रही होगी, देखो मैं वेव यहाँ पे लिखता हूँ, ये वेव जो होती है ये कोई भी एक वेव का इंस्टेंट है, वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। ये वेव का स्पीड होता है, ये वेव की बेसिकली लैम्बडा होता है। तो मैंने पहला जो डिफाइन किया था, v इज इक्वल टू क्या किया था, लैम्बडा अपॉन t, ये डिफाइन किया था। फिर लैम्बडा अपॉन t को अपन लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये एक था इक्वेशन, कभी कभी फ्रीक्वेंसी को अपन v बाय लैम्बडा बोल देते हैं। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू सब सेम ही था। उसके बाद मैंने आपको डिफाइन किया कि फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस नथिंग बट 2π बाय लैम्बडा, ठीक है, इनटू पाथ डिफरेंस। इस 2π बाय लैम्बडा को हम लोग के भी लिखते हैं, के इंटू डेल्टा एक्स लिखते हैं। तो के जो होता है, के को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, उसको वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर की वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल टू क्या होता है, 2π बाय लैम्बडा होता है, या कभी कभी ओमेगा इन बाय वी भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज थी, ये इसको मैं 3 लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोग ने देखा था वेव इक्वेशन, विच इज इक्वल टू वाई ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, प्लस होगा तो कहाँ पे जाएगा, माइनस होगा तो कहाँ पे जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ वेव होता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल, ये तो इसको डिफरेंशिएट करने से आता है, ये भी अपन ने देखा था एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है। लेकिन वेव स्पीड एंड एक्सेलेरेशन, इसका एक रिलेशन था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होती है वीपी शुड बी इक्वल टू माइनस वी डो वाई बाई डो एक्स, ये मैंने अभी डिराइव किया। एंड एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल और जो स्पीड में क्या होता है, वी स्क्वायर डेस डो स्क्वायर वाई बाई डो एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? ये था मेरा इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5। मैंने इतना ही तो वेव आज पढ़ाया, मैंने और क्या पढ़ाया? यस सर, बाद में अपन देखेंगे, बाद में अपन देखेंगे जो वेव इस चीज को, जो वेव का इक्वेशन इसको फॉलो करता है, जो वेव का इक्वेशन इस चीज को फॉलो करता है, उसको ही हम लोग सिंपल हार्मोनिक वेव बोलते हैं। ये मैं अगले इसमें प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, और बहुत अच्छे खासे एडवांस के क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, जेई एडवांस के लिए, और जेई मेन में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे जो फिफ्थ वाला लिखा है, बाकी तो इसका ज्यादा काम नहीं आता, ठीक है, नीट बीट वालों के लिए, लेकिन ध्यान में रखना, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। इतना मैंने पढ़ाया, अब इसके क्वेश्चंस वगैरह अपन अगले लेक्चर में सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, मिलते हैं फिर। सर इसका पीपीटी शेयर कर दीजिए। हाँ मैं कर देता हूँ। बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय गाइस, थैंक यू सर, गुड नाइट, बाय गाइस, बाय बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।